अभी आपकी जो भी क्लासें ली जा रही हैं, ये सभी आपकी रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ली जा रही हैं। आपने देखा है कि जो हम लोगों ने विज्ञान देखी, उसमें आपने देखा है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, इन तीनों को कवर किया हुआ है। उसके बाद आपने देखा पर्यावरण, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को भी देखा हम लोगों ने, अर्थव्यवस्था भी हम लोगों ने देख ली, संविधान भी हम लोगों ने देख ली। और याद रखिए, जब आप पेपर नजदीक हो तो इसे पढ़कर आप लोग जा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आप देखते हैं कि रिवीजन का मतलब ये होता है कि एक पूरी बुक 1 से 2 घंटे 3 घंटे में खत्म हो जाए, वही रिवीजन होता है। वरना आप पूरी किताब पढ़ने और बैठेंगे तो 1 महीने के लिए एक पूरी किताब लग जाएगी, ठीक है? तो एक बात और आपको यहां बता दूं कि जब भी देखिए, 1 डे एग्जाम के लिए मुझे लगता है इतना मटेरियल काफी है आपका। और आपके जाना हो तो आप किरण सामान्य ज्ञान बुक्स को कवर कर लें, आपके पास अगर सुविधा है तो आसपास मिलती है तो उसे खरीद लें, क्योंकि मैंने देखा है बहुत अच्छी बुक्स लिखी गई हैं। लूसेंट भी बढ़िया है, वो भी बढ़िया है, ठीक है? तो आज हम लोग बात करेंगे भूगोल के बारे में। भूगोल में देखेंगे विश्व का भूगोल पहले हम लोग, उसके बाद दूसरी क्लास में हम लोग देख लेंगे आपका भारत का भूगोल, ठीक है? इसमें वही क्वेश्चन है मुझे लगता है जो या तो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, या पूछे जा चुके हैं, या पूछने की पूरी संभावना है आगे, ठीक है? और अब बचा आपका करंट अफेयर्स बचेगा, तो अभी समसामयिक की घटना चक नहीं आई है, दृष्टि की, ई दृष्टि की, तो वो आती है जैसे ही मार्केट में, हम लोग लेकर आपकी कवर करवाते रहेंगे, ठीक है? तो ये उसी के एक तरह पहली दृष्टि के साथ आते थे, ई दृष्टि के साथ, उन्हीं का ये एक तरह से रिविजन वाले आपकी जो बुकलेट आती थी वही है, ठीक है? उन्हीं को कवर कर रहा हूँ। अभी मिलेगी तो उसे भी हम लोग खरीद कर आपको PDF भी दे दूंगा, और अगर आपके आसपास मिलती हो वो, तो आप लोग उसे खरीद लें, ठीक है? चलिए हम लोग देखते हैं विश्व का भूगोल क्या बोल रहा है। सबसे बात करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। सामान्य अवधारणा, महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। ये कई बार आपसे पूछ लिया है, महाविस्फोटक सिद्धांत की थ्योरी संबंधित है, किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। अगर आपसे पूछे कि महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने, बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज लेमेंटियर ने। इस नाम को याद रखना। वह गैलेक्सी जिस में हमारा सौरमंडल स्थित है, मंदाकिनी या मंदाकिनी, आकाशगंगा या फिर दुग्ध मेखला भी इसे कहते हैं, मिल्की वे भी कहते हैं, ठीक है? नामों को याद रखिए। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। ब्रह्मांड वर्ष यानी कि कॉस्मिक ईयर कहलाता है सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय को हम लोग कहते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 20 से 25 करोड़ वर्ष, 20 सॉरी 22 से 25 करोड़ वर्ष। तारे के विकास के क्रम में सर्वप्रथम होता है प्रोटोस्टार का निर्माण। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मितियों से ग्रसित होते हैं चंद्रशेखर सीमा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटनाएं, कृष्ण विवर, कृष्ण छिद्र, ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। कथन ए, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय स्थित है जिसे देखा नहीं जा सकता है। और फ्रैप का कारण आर, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि वह विकास को भी बच निकलने नहीं देता है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। याद रखिए, अभी भी आप भी तो सुनते हैं कि यहाँ से कोई भी अगर एरोप्लेन जा रहा है, कोई पक्षी भी जा रहा है, तो वो भी इसके अंदर चला जाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र इतना अधिक है, यानी कि इसका आप समझ सकते हैं। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है, इस गुणन का कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व के कारण ऐसा होता है। कहते हैं ना कि कई एरोप्लेन भी इसमें जा चुके हैं, ठीक है? सुपरनोवा है एक मृत पराया तारा। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या है 88। फलसर, कृष्णविवर, क्लासर और भंगुर तारा आदि हैं खगोलीय वस्तुएं, अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। ब्रिटल स्टार कृष्ण मास्टर, ठीक है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है नक्षत्र। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी। तारे का नाम क्या है? बीटल ग्यूस, ठीक है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व है पृथ्वी का, 5×5 यानी कि 5.5 ग्राम
सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी और सौर के बीच सूर्य के बीच बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। आकाश स्याह काला और तारे टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व है लोहा आपको 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकन 15%। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। एक प्रकाश वर्ष में होता है 9,661 × 10^15 मीटर। ठीक है, इसे भी याद रखिए अच्छे से। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। यदि एक पिक्चर तारों को क्षितिज से लंबवत उठते उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। जिस तारा के तारे तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। अब बात करते हैं सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। सौरमंडल का भाग नहीं है निहारिका। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था? कॉपर निकस ने। किसने? कॉपर निकस ने। ठीक है, सौरमंडल का निर्माण हुआ था 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व, यानी कि 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। हमारे सौरमंडल परिवार सौर परिवार के संदर्भ में सही कथन है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। ठीक है, सौरमंडल में ग्रह की संख्या है 8। अगस्त 2006 से पूर्व ग्रहों की संख्या 9 थी। ठीक है, सूर्य से दूरी के क्रम में वह दो ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच है, बृहस्पति और शनि। ग्रह सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित हैं, यानी कि ग्रह दूरी मतलब सूर्य से बढ़ते क्रम में। पहले आप देखेंगे बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। आप पृथ्वी को तीसरे नंबर पर देखते हैं, सबसे पहले बुधवार, बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है बुध एवं शुक्र। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी आती है। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। शुक्र एवं मंगल के मध्य देख रहे हैं ना, शुक्र यहाँ हो गया, मंगल यहाँ, पृथ्वी बीच में। ग्रह के बारे में सत्य कथन है, यह अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। सूची एक सूची दो को सुन लेते हैं आपको। ये विशेष लक्षण हो गए ग्रहों का नाम। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह शुक्र। ठीक है, क्योंकि बुध के बाद शुक्र ही तो आता है, और सबसे अगर बड़ा पूछे ग्रह तो आप बृहस्पति बता सकते हैं, और सबसे छोटा बुध। सूर्य के निकट ग्रह बुध, सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह वरुण सबसे दूर। आकाश के अनुसार घटते क्रम में, आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति बताना है। पहले बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस और फिर पृथ्वी। हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं बृहस्पति, शनि और मंगल ग्रह पर। गोल्डी लॉक्स जॉन शब्द का संदर्भ है। भूपृष्ठ के ऊपर वासयोग्य मंडल की सीमाएं, आवासीय क्षेत्र से इसका मतलब होता है। ठीक है, ये भी आपका समझ लेते हैं। सूची एक और सूची दो। ग्रह यूरेनस, उपग्रह चंद्रमा, पुच्छल तारा हेली, किंतिम उपग्रह मराइजन मराइनर। ठीक है, आप जानते हैं ना चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है ना। सूर्य से अगर बात करें सूर्य के बारे में, तो सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं गैस और प्लाज्मा के रूप में। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय सलगन द्वारा। हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णता पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों में। सूर्य ग्रहण होता है पितिपदा को। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। खाग्रास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। इसलिए सूर्य का प्रभा मंडल प्रकाश के अपवर्तन के से उत्पन्न होता है, पक्षाप मेघों के हिम स्फेटकों से। एक खगोलीय एकक औसत दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी होती है 150 × 10^6 किलोमीटर। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी अगर आपसे पूछे तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी की बात करें तो 3 जनवरी को आप देखेंगे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच निकटतम दूरी होती है। सूर्य का आकार पृथ्वी से है 109.2 गुना। कितना? 109.2 गुना। अब बुध के बारे में कुछ जान लेते हैं। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है बुध ग्रह है। 87.96 दिन में ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है, लगभग 88 दिन में।
दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। सत्य कथन, किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में दिखने पर उसके चाक्षुष निर्धारित करता है। शुक्र के बारे में पूछे तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है आपका शुक्र, और इवनिंग स्टार भी कहते हैं आप लोग शुक्र को, वह ग्रह जिसको भोर का तारा के नाम से भी आप शुक्र ग्रह को जानते हैं। तो याद रखना सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, इवनिंग स्टार भी कहते हैं और इसे भोर का तारा भी कहते हैं, ठीक है याद रखिए। शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक संभव है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? शुक्र। मैगलन अंतरिक्षयान भेजा गया था शुक्र के लिए। अगर पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी गोलाकार है आपकी। सर्वप्रथम किसने कहा था ये बात? अरस्तु ने। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लेट, क्या है? ग्रीन प्लेनेट। पृथ्वी का व्यास है 12,756 किलोमीटर। कथन ए और कारण आर, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, ये बिल्कुल गलत है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, ये आपका सही है। ए सही, ए यानी कि कारण आर सही है और कथन ए गलत है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यान द्रव। भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट 17 सेकेंड। वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है सूर्य। पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र, क्या है? शुक्र। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में समय लगता है 365.25 दिन के करीब, ठीक है 1 साल आप जानते हैं ना। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब दो दूरी तय कर लेती है 27.63 किलोमीटर। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है, दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर, ठीक है। सत्य कथन है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिणी दक्षिण भारत में थुम्मा से गुजरती है, बिल्कुल सही है। सत्य कथन है, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। दिन रात के कारण होते हैं भू परिभ्रमण, दिन रात जिस कारण से होता है वह है भू परिभ्रमण। जब दिन रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। याद रखिए यह आपके केवल आपको वही मतलब एक तरह से क्वेश्चंस की तरह बता दिया जा रहा है उनका आंसर वो क्वेश्चन। यहाँ कोई आपको अगर विस्तार से पढ़ना है तो किरण सामान ज्ञान बुक्स पढ़ ली है और लूसेंट भी कवर करवा दी थी, और भी अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो आपकी एनसीईआरटी कवर कर चुके हैं तो उसमें जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ केवल आपका परीक्षा प्रीलिम्स के यानी कि वनडे एग्जाम की तरह जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव उन्हीं को हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका आईएएस सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स में पूछ लेता है। कथन ए, किंतु मुखबरा हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, गलत है। कारण आर, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। ये आपका आर सही है, ये गलत सही है, ठीक है ये गलत है कथन और आर सही है। पृथ्वी के बढ़ता घूमने वाले किंतु मुखबरा से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परिता उपग्रह कि समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी, ठीक है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में पावर मेंटल के नीचे क्रोर बना होता है लोहे और निकल से। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अभी आप याद रखिए इसके जो ये दिवस मनाए जाते हैं इनसे भी आपका वनडे के और सब में प्रीलिम्स में भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इनके लिए आपके जितने भी साल के दिन होते हैं उनको हम लोगों ने कवर कर लिया है। महत्वपूर्ण दिवस के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसमें जाकर देखिए, हर महीने के आपके कवर करवा दिए हैं। और जो थीम रहेगी याद रखिए उनके लिए आपको अपडेट होता रहना पड़ेगा, करंट जब भी आता है 2019 20 21 का, तो इससे आप जुड़े रहिए और बाकी स्थाई पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिए। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि आप अगर स्थाई और अस्थाई पॉइंट पकड़ने में कामयाब हो गए तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं परेशानी आएगी। और दूसरा, आप अगर क्वेश्चंस पकड़ने में सफल हो गए कि किस तरह से क्वेश्चंस बन सकता है तो मुझे लगता है कि आपको बहुत आसान होगा हर तरह से। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है,
मंगल ग्रह के विषय में। कारण ए कारण आर पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समावधि कम है। गलत है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। सही है। कारण आर सही है लेकिन कथन ए गलत है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए व्यवस्था है जो सबसे सुसंगत है बर्फ क्षेत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। आप जान रहे हैं कि पृथ्वी के बाद अगर कहीं जीवन संभव हो सकता है तो मंगल पर, इसलिए आप देखते हैं मंगलयान भेजे जा रहे हैं। पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। यूरोपा यानी कि बृहस्पति का उपग्रह फीनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था 25 मई 2008 को। अब बात करते हैं बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की गई थी गैलीलियो द्वारा। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला ग्रह है वरुण। बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेटोन का बना हुआ। वह ग्रह जिसके सर्वाधिक प्राप्तिक उपग्रह अथवा चंद है। पहले था आपका बृहस्पति लेकिन अब शनि हो चुका है। ठीक है, पहले बृहस्पति था लेकिन अब शनि हो चुका है आपका। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है 29.5 वर्ष। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय है शनि अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनो ने जून 2004 में जिस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया था वह शनि। शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म है वह नेपच्यून। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह शनि का। याद रखिए सबसे ज्यादा आपको उपग्रह आपको देखने को मिलेगी इसी के शनि के। ठीक है, अरुण वरुण प्लूटो के बारे में बात करूं तो यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है 84 वर्ष यानी कि 84 साल। जिस ग्रह बोना ग्रह का वर्ष दीर्घतम होता है वह है प्लूटो। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार ग्रह नहीं है प्लूटो नहीं है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है बुध। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है नेपच्यून। सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह कभी वरुण कभी यम। ठीक है, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है प्लूटो के। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा के बारे में कुछ। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था वर्ष 1969 में। सी ऑफ टेंट्राक्वालिटी शांति का सागर स्थित है चंद्रमा पर। कथन ए, चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख है। बिल्कुल सही है। चांद अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री दिवस में घूर्णन पूरा करता है जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। ये तो सही है लेकिन आर गलत है आपका। ठीक है, कथन ए, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है आपको, तो ये आपका बिल्कुल सही है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि आप देखेंगे चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए आप देखेंगे एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। चंद्रमा होता है जब चंद्रग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। याद रखिए चंद्रग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आपकी पृथ्वी आ जाती है। वह परिस्थिति जिसमें चंद्रग्रहण होता है पूर्ण चंद्र फुल मून 14 नवंबर 2016 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्यतः उत्तरदायी कारक था। चंद्रमा का पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण अर्थात पूर्ण उपभोग पर होना। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी चंद्र के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। कितना 90 डिग्री। सौरमंडल में चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह। एक ग्रह हो गया यूरेनस, उपग्रह चंद्रमा, उच्छल तारा हेली, अंतिम उपग्रह यान मेरिनर। ठीक है, ब्लू मून परिघटना होती है जब एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है उसे ब्लू मून परिघटना कहते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो है उसका भार घट जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी है 384,400 किलोमीटर। ठीक है, चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है 384,400 किलोमीटर। अब क्षुद्र ग्रह के बारे में जान लेते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। किस किस के बीच? मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच। ठीक है, क्षुद्र ग्रहों के विषय में सही कथन है।
ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टाने मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे किंतु कुछ का व्यास 1,000 किलोमीटर तक बड़ा है। ठीक है, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टोएड छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु के बीच अंतर होता है। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं ले प्लेनेटोइड हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रहते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान कुछ पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम धूमकेतु और एवं उल्का के बारे में। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परिदृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भेज दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। हेल बॉप नाम है पुच्छल तारा धूमकेतु का। सुमेकर देवी 9 धूमकेतु जिस ग्रह से टकराया जाता था वह है बृहस्पति। उल्का ब्रह्म बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश हुए द्रव का अंश है आपका उल्का। पृथ्वी अक्षांश की बात करें, अक्षांश देशांतर 91 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री पूर्वी और 45 डिग्री दक्षिण और 91 डिग्री पश्चिम से जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है 45 डिग्री दक्षिणी। एक ग्लोब पर अक्षांशों में बेहद विर्थ होता है विषुवत रेखा। प्रधान यमोत्तर ध्रुवित है और विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है अंध महासागर में। तो आपका देशांतर काहिया का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है। यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। याद रखिए, इसमें देख लेते हैं हम लोग आगे भारत की, जब भूगोल पढ़ेंगे तो भारत के बारे में उसमें काफी हद तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर मध्यान्ह हो तब प्रातः के 6 बजे होते हैं 0 डिग्री पूर्वी या फिर पश्चिमी देशांतर पर। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दो स्थानों के बीच का समय अंतराल होगा 60 सॉरी 6 घंटे। कितना? 6 घंटे। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे समय है यानी कि शाम का है, वह जगह अवस्थित है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। वह देशांतर जो प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बेहद पेद का निर्माण करता है 180 देशांतर। नए सहस्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के जिस एक यमोत्तर में दिखाई देती है वह 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है प्रधान मध्यान्ह रेखा। प्रधान यमोत्तर नहीं गुजरती है नाइजर से, प्रधान यमोत्तर गुजरती है कुल 9 देशों से, यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घना और अंटार्कटिका का दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अकरा डबलिंग डबलिंग मेडेड और लिस्बन में से जिसका समय जीएमटी के समान है वह है अकरा अकरा और डबलिंग और लिस्बन। ग्रेनविच मध्य समय से आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय का सही क्रम है जापान, इराक, ग्रीस, क्यूबा, कोस्टारिका। जब IEST यमोत्तर पर दोपहर होते हैं तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान को देशांतर कहते हैं 90 डिग्री वेस्ट। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया है। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगता है। वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचता है। नगर का देशांतर होगा 87 डिग्री पूर्वी। कितना? 87 डिग्री पूर्वी। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा है गुजरती है प्रशांत महासागर से ऊपर। याद रखिए, NCERT में पूरा विस्तार से बताया गया है कि ये कैसे निकालेंगे आप लोग। ठीक है, कथन ए, तिथि निर्धारित रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। बिल्कुल सही है, तिथि निर्धारित रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। ग्लोब की वह देशांतर रेखा जिस पर दो स्थानों पर के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारत मानक समय रेखा होगा
6:30 यानी कि 6:30 सुबह का। वह जलमंडल जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, बेरिंग जलडमरू। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समुद्री हवा, समुद्री धारा, उस अक्षांश, देशांतर में से मार्ग बनाना चाहिए। देशांतर को किसी जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः यानी कि 6 सुबह है, जबकि ग्रीनविच मेन टाइम 3 प्रातः है, सुबह 3। उस समय उस जगह की देशांतर रेखा होगी 45 डिग्री पूर्वी। 1 डिग्री में आपके 4 मिनट के करीब होता है, ठीक है? अगर आप 1 डिग्री बढ़ते हैं तो 4 मिनट के करीब आप बढ़ जाते हैं, समझ रहे हैं? 1 घंटा, अगर 15 डिग्री आप बढ़ जाते हैं तो 1 घंटे समय लगभग आप कवर कर देते हैं, ठीक है? अगर पीछे जाते हैं तो 1 घंटे पीछे पहुंच जाते हैं। विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग, आप देखेंगे, 40,000 किलोमीटर। भूमध्य रेखा गुजरती है कुल 9 देशों से, कौन से हैं? साओ टोम, सॉरी माफ करिएगा, 13 देशों से। भूमध्य रेखा गुजरती है 13 देशों से, 13 देशों से, ठीक है यार? गलती अगर हो जाती है कहीं बोलने में तो आप लोग नीचे लिख दिया करिएगा, ठीक है? बोलने में कुल 13 देशों से साओ टोम और प्रिंसिप, गेबन कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा केन्या सोमालिया मालदीव, इंडोनेशिया किरवाती इक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील से। फिर से सुन लीजिए, साओ टोम प्रिंसिप, गेवन कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा केन्या सोमालिया मालदीव, इंडोनेशिया किरवाती इक्वाडोर कोलंबिया ब्राजील। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। यहाँ वर्ष भर वर्षा होती रहती है ना, इसलिए कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर में से भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट अवस्थित है सिंगापुर। भूमध्य रेखा के ऊपर है हम लोग, समझ रहे हैं? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से गुजरती हैं वह है अफ्रीका महाद्वीप। ऐसा एकमात्र महाद्वीप है, आप देखेंगे कि तीनों रेखाएं, भूमध्य रेखा को देख लीजिए, कर्क रेखा, फिर चाहे मकर रेखा, ये तीनों गुजरती हैं, ठीक है? कर्क रेखा और मकर रेखा। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है 66.5 डिग्री। कर्क रेखा गुजरती हवाई द्वीप, यूएसए, मैक्सिको, बाहमास, माती, मोरितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत। और भारत में बात करूं तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है? बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान, ताइवान। एक बार फिर सुन लीजिए, कर्क रेखा गुजरती है हवाई द्वीप, मैक्सिको, बाहमास, माती, मोरितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त राज्य अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान, ताइवान से। मकर रेखा गुजरती है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिणी अफ्रीका, फ्रेंच, पोलिनेशिया, फ्रांस, बोत्सवाना और नामीबिया। कर्क रेखा याद रखिए, उत्तरी गोलार्ध में आपकी 23.5 डिग्री आप देखेंगे तो कर्क रेखा, और नीचे देखेंगे आप दक्षिणी गोलार्ध में तो मकर रेखा रहेगी 23.5 डिग्री, ठीक है? और बीच में 0 आपकी भूमध्य रेखा होती है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पर चमकती हैं तब उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायु दाब विकसित होता है। दिन रात की अगर बात करें तो विषुवत या इक्विनोक्स, वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो 21 मार्च और 22-23 सितंबर, 20-21 मार्च और 22-23 सितंबर को जब दिन और रात आपके दोनों बराबर होते हैं, वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर आप देखेंगे दिन भी बराबर रहेगा हर साल भर और रात भी बराबर रहेगी 12-12 घंटे की। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है विषुवत रेखा पर, ठीक है? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 21-22 दिसंबर को, वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है 20-21 जून को, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21-22 दिसंबर का, और ग्रीस एनांत पर प्रतिवर्ष होता है 20-21 जून। वह तिथि जिसमें दोपहर को आम की छाया, आपकी छाया सबसे छोटी होती है वो 21 जून है। क्या है? 21 जून है। पृथ्वी की उत्पत्ति और भूगर्भिक इतिहास। वह विद्वान जिसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई, वो थे ओ स्मिथ, ठीक है? ये वैज्ञानिक थे। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में जिस विधि का प्रयोग करते हैं वह है यूरेनियम डेटिंग। महान हिमयुग का संबंध है प्लास्टोसीन युग से।
ठीक है, आगे है आपका, डायनासोर काल था आज से लगभग 6 करोड़ से 70 लाख वर्ष पूर्व। महाद्वीपों के अलग होने का कारण है विवर्तनीय क्रिया। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवानालैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल है, वह है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं पेंजिया। महाद्वीपों में से गोंडवानालैंड का भाग नहीं था, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन की प्रादुर्भाव की प्रथम जीवाश्म मीसाक्ष का काल है, लगभग 3.5 बिलियन वर्ष यानी कि 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। वे घटनाएं जिनसे जीवों के विकास को प्रभावित किया है महाद्वीपीय विस्थापन एवं हिमानीचक। वलन क्रिया परिणाम है पर्वत निर्माणकारी बल का। पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन और पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण, ये सभी। चट्टानों के बारे में बात कर लेते हैं। सही कथन है, परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं और परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व निर्माण पूर्व में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं और परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई भी जाती हैं। अवसादी स्थलों के लिए कथन सत्य, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि पानी के नीचे बनती है, पानी के नीचे। अग्नि चट्टानों के लिए कथन सही है, वे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। कांगलोमरेट ग्रेनाइट सेल बलुआ पत्थर में से एक चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ग्रेनाइट में। किसमें? ग्रेनाइट में। रूपांतरित रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है अग्नेय और तल छट्टी दोनों से। ग्रेनाइट उदाहरण है अग्नेय चट्टानों का। अवसादी सेल का उदाहरण है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सेल आदि का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ज्वालामुखी। क्या? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से सबसे पहले जो गैस निकलती है वह जलवाष्प निकलता है। सबसे पहले क्या? जलवाष्प। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत अगर आपसे पूछे तो कौन है? माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं मैग्मा। क्या कहते हैं? मैग्मा। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं आप लोग? प्लूटोनिक चट्टान है। प्लूटोनिक चट्टान है। ज्वालामुखी ये उद्गार नहीं होते हैं। बाल्टिक सागर में आपको ज्वालामुखी उद्गार देखने को नहीं मिलेंगे। माउंट एटना पर्वत है एक ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपसे पूछ लेगा कि माउंट सेंट हेलेंस स्थित है कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये ज्वालामुखी पर्वत है। मोनालोआ मोनालोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप में, यूएसए में। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप में स्थित मोनालोआ। सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा, विसुवियस। एक कई बार पूछ लेता, सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं ये आपके? कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा और विसुवियस। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है तंजानिया में। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है? तंजानिया में। किलिमंजारो है एक अग्नेयगिरी ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का विकास स्तंभ कहा जाता है, वह है स्टोम्बोली। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलाऊ। कहा है? किलाऊ। सूची एक, सूची दो, एटना सिसिली, विसुवियस इटली, एरिबस रास्तुई, कोटोपैक्सी इक्वाडोर। ये भी सही सम्मिलन है आपकी ज्वालामुखी हो गए, देश हो गए। माउंट रेनियर यूएसए, एटना इटली, पेरिकुटिन मैक्सिको, टाल फिलीपींस। ये भी सही सम्मिलित है आपकी सूची एक, सूची दो, माउंट किनावालू मलेशिया, अलबुर्ज ईरान। ठीक है, आकांक्षा हुआ ए अर्जेंटीना, किलीमंजारो तंजानिया। सूची एक, सूची दोनों सम्मिलित हैं, ज्वालामुखी हो गए, देश हो गए। सबन काया पेरू, कोलिमा मैक्सिको, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में देखने को मिलेगा। अब भूकंप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। भूकंप के समय जिन तरंगों का उद्भव होता है पी एस एल यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी और ए आपकी लेव यानी कि सरफेस वेव्स कहलाती हैं, लॉन्ग वेव। ठीक है, रिंग ऑफ फायर संबंध है भूकंप, ज्वालामुखी एवं पिसात महागर सागर से संबंधित। सत्यकथन है भूकंप की तीव्रता को मार के लिए स्केल पर नापा जाता है। भूकंप को मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी
तरंगों के आयाम किस सीधे मापन पर आधारित है, ये सभी कथन सत्य है। रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए भूकंप की तीव्रता, अगर ये आपको भूकंप की तीव्रता किसे रिएक्टर से, सिस्मोग्राफ मापता है भूकंप को, सिस्मोमीटर मापता है भूकंप को, सुनामी शब्द है जापानी भाषा से लिया गया शब्द है सुनामी। जापान को वैसे शहर जिसमें विध्वंसकारी सुनामी नाभिकीय विकिरण का सामना किया था, ये था फुकुशिमा। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। ठीक है, महाद्वीपों से संबंधित देख लेते हैं। वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है अफ्रीका में कितनी है आपकी 54। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम है आपने याद रख सकते हैं एशिया फिर अफ्रीका उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका अंटार्कटिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा और एशिया सबसे बड़ा। एक बात आप लोगों को शायद मैं बताना भूल ना जाऊं इसलिए पहले ही बता देता हूं, अगर आपको ज्योग्राफी को कवर करना है तो मैंने एक बुक्स कवर की थी आपकी मानचित्र के नाम से, और मानचित्र के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई, उसमें सब कुछ आपका बताया गया है महाद्वीप क्या होता है, आपकी पूरी स्थिति भी बताई गई कि ये हैं देश इन्हें इन्हें देशों के बारे में बताया गया। तो अभी नहीं कहूँगा, आपका अगर पेपर है तो मत पढ़िए अभी उसे, लेकिन अगर आपका पेपर नहीं आपके पास काफ़ी समय है तो आप उसे जाकर पढ़ लीजिए, बहुत विस्तार से पढ़ाया गया। मुझे लगता है कि अगर उसे आप देख लेते हैं ज्योग्राफी का 70-75% भाग कवर हो जाएगा उसी से, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आपका मैप्स में बताया जाता है कि देखिए ये है ये ज्वालामुखी ये है ये महाद्वीप ये देश यहाँ है, तो आपको बेहतर याद भी रहता है। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप कौन है, ऑस्ट्रेलिया यूरोप। महाद्वीप जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है ऑस्ट्रेलिया में। वह महाद्वीप जो संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई पर है दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका। ठीक है, नीचे दिए गए 1, 2, 3, 4 से चिन्हित भौतिक क्षेत्र क्रम सा है, एंडीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी, और एंडीज ब्राजीलियन सील ये है, ग्वाना उच्च भूमि ये है, और अमेजन बेसिन ये है। ये याद रखिए दक्षिणी अमेरिका का दक्षिण अमेरिका का भाग है। ठीक है, एटलस पर्वत अवस्थित है उत्तर पश्चिम अफ्रीका में। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है यूरोप में। अब विश्व की पर्वत श्रेणियां देख लेते हैं। पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को, पर्वतों का सागर किसे कहते हैं ब्रिटिश कोलंबिया। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं नवीन मोड़दार पर्वतों पर। विश्व की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला है एंडीज, एंडीज पर्वत श्रेणी जिस महाद्वीप में स्थित हुआ है दक्षिण अमेरिका में, कहाँ दक्षिण अमेरिका में। दक्षिणी आल्पस पर्वत मालाएं स्थित है न्यूजीलैंड में। आल्पस पर्वत श्रेणी का विस्तार है फ्रांस ऑस्ट्रिया जर्मनी स्विट्जरलैंड में। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्पस। राइट पर्वत पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाला पर्वत है वर्मीज अराकान युमा पर्वत युमा पर्वतचाप। ठीक है, हिमालय के विस्तार अराकान युमा जिस देश में स्थित है वह है म्यांमार, जैसे आप लोग पहले बर्मा कहते थे। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है जर्मनी में। राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक पर्वत अवस्थित है यूएसए में। पेनाइन यूरोप अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत का उदाहरण है, ये पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं सभी। डॉकिन्सबर्ग पर्वत कहाँ देखने को मिलेगा दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका में। एटलस पर्वत कहाँ देखने को मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप मोरक्को अल्जीरिया ट्यूनिसिया में। ठीक है, ये आपकी सूची सम्मिलित हैं पर्वत हो गए और देश। अलेघनी यूएसए में, कैंटावियन स्पेन, अलबुर्ज ईरान, मैकेंजी कनाडा। सही सम्मिलित हैं सूची एक सूची दो पर्वत हो गए और महाद्वीप। कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया, मिकेनले उत्तरी अमेरिका, अलास्का एल्बुर्स यूरोप में, किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप में। सूची दो आल्पस पर्वत वलित पर्वत है, बोस्टजिस पर्वत ब्रांसोत पर्वत है, विंद अवशिष्ट पर्वत है, फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट टिटलिस स्थित है स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्विट्जरलैंड में, इटली में अवस्थित पर्वत है एपीनाइन। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। गोल्डन हाइट्स स्थित है मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में। ठीक है, अब बात करते हैं पठार एवं घाटियां। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है 5 किलोमीटर। दक्षिणी अमेरिका में
खनिजों का भंडार कहा जाता है पेंटागोनिया के पठार को। पठार पर स्थित नगर है मेडिट। संसार की छत रोप ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? पामीर के पठार को। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली उदाहरण है रेप्ट घाटी का। शैतान का गोल्फ कोर्स डेविस गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली स्थित है यूएसए में। मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए। पंजशीर घाटी अवस्थित है अफगानिस्तान में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में। कहाँ है? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में ठीक है। टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। बेहद बेसिन अवस्थित है यूएसए में। राजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में। अंधी घाटियां अवस्थित है कास्ट प्रदेश में। अब बात कर लेते हैं शुष्क प्रदेश या मरुस्थल। कथन ए कथन आर मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। ये भी सही है। इसलिए आप देखते हैं कि दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या। क्या बोला? इसलिए आप देख रहे हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है आजकल। आपने देखा हमारे देश में भी जब से नई सरकार आई हुई है तब से नवीकरणीय ऊर्जा पर ज्यादा जोर दे रही है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि पेट्रोल और कच्चा तेल कोई भी हो या कोयला हो एक समय के बाद एक खत्म हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग? तो इसका कोई विकल्प तो होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो इसलिए पानी से बनाने वाली ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सूर्य से बनाने वाली ऊर्जा, इन सभी पर बात की जा रही है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर से कम होती है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान मरुस्थल है सहारा। संसार के सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार। अगर आप पूछे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान मरुस्थल पूछे आपसे तो सहारा है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल पूछे तो थार है। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है चीन में। ये मरुस्थल हो गए देश हो गए सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, तकला मकान चीन, काराकुम तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया। दस्ते लुट अवस्थित है ईरान में और गोबी मरुस्थल मंगोलिया में देखने को मिलेगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार। आटाकामा मरुस्थल अवस्थित है उत्तर चिली में। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र स्थित है आटाकामा मरुस्थल। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है पैटागोनिया गोनियन मरुस्थल। सत्य कथन है विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीप के पश्चिमी सीमांतों में व्यापक व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। आपके कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है बोस्तवाना नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल है कालाहारी। अफ्रीकी और यूरेशियाई मरुस्थल क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण है या उपोष्ण उच्च दाब कोशिका में अवस्थित है हाई प्रेशर सेल में। ठीक है, ये आपके घास हो गया और मैदान। आपने देखा होगा कि यूपीपीसीएस में कई बार आपके क्वेश्चन इससे बन चुके हैं डायरेक्ट, और मैं तो इतना कहता हूं कि इन्हें बड़े अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि इनसे हर बार मुझे लगता है हर किसी ना किसी परीक्षा में आपके देखेंगे। इसीलिए तो बोलता हूँ 4 से 5 साल के क्वेश्चन सब पेपर आप लोग उठा के देख लीजिए जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन घास हो गए, घास के मैदान हो गए और स्थिति होगी। पेरीज अगर पेरीज या पेरी घास के मैदान की आपसे पूछे तो कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। पंपास या लानोस पंपास या लानोस की पूछे तो दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना में। स्टेपीज यूरोप में बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में। देश और घास के मैदान क्या सवाना कहाँ है? केन्या में। सवाना केन्या, पंपास अर्जेंटीना, लानोस लानोज वेनेजुएला और पेरीज संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका महाद्वीप में। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पंपास। ये सही सम्मेलन है सवाना। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है? सवाना। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और सेल्वास उष्ण कटिबंधीय वन है, टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। आपकी ये विश्व के देश हो गए, उनकी सीमाएं हो गई। जनसंख्या के आधार पर संसार का सबसे बड़ा देश चीन भारत का नंबर सेकंड। कहा जा रहा है कि कुछ समय के बाद हम लोग चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे, नंबर वन पर चाइना जनसंख्या में हम लोग बन जाएंगे। क्योंकि देखिए आप लोग किसी क्षेत्र में प्रगति कर रहे हो या नहीं, लेकिन जनसंख्या में रात दिन आप लोग लगे हुए हैं प्रगति करने के लिए। ब्राजील कनाडा चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल के आधार पर सही अवरोही क्रम है। पहले कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील। दिए गए देशों के क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील।
देखिए एक बात बताऊं, जनसंख्या में आपसे पूछी तो रूस रूस कौन से नंबर पर, सॉरी अगर क्षेत्रफल में पूछे तो रूस पहले नंबर पर, और आप देखेंगे भारत का स्थान आता है सातवां, भारत का स्थान सातवां आता है, क्या आता है सातवां आता है। और अगर जनसंख्या के मामले में पूछे तो भारत का नंबर दूसरा है, और आपका क्या है आपका चीन है पहले नंबर पर, चीन पहले नंबर पर। सातवां नंबर थोड़ा देख लीजिए, डाउट मुझे हो रहा है, क्या हो रहा है डाउट हो रहा है। दक्षिण एशिया के देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा देश है मालदीव, वह देश जिसका समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, एक कनाडा। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, बनाता है कौन सा, बांग्लादेश। आपको मालूम चाहिए हमारे देश, हमारे मतलब आप सोचिए हमारा देश किन किन से लगता है, पाक जलडमरू आप देखेंगे कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ठीक है, हम लोग पाक जलडमरू के द्वारा जुड़े हुए हैं। हमारा पड़ोसी आप देखते हैं बांग्लादेश, जिससे हमारी सबसे ज्यादा सीमा लगती है, आप देखते हैं म्यांमार है, भूटान है, उसके बाद देखते हैं आप लोग चीन, याद रखिए चीन हमारा तिब्बत जब से हड़प लिया है चाइना ने, तब से हमारी सीमा चाइना से भी लगने लगी है। आपने देखा होगा मैक मोहन रेखा जो चीन और भारत के बीच है, ये तिब्बत और भारत के बीच समझौता हुआ था अंग्रेजों के समय, तभी आप देखते हैं ना कि कह देता है चीन, क्या कहता है कि हम इस रेखा को नहीं मानते। उसके बाद नेपाल हो गया आपका, आज नेपाल देखेंगे, आज नेपाल भी आवाज उठाने लगा जो हमारे टुकड़ों में भर पूरी तरह से पलता था, समझ रहे हैं, एक वही है। एक समय आप देखते नहीं थे कि किसी गुंडे को आप पालिए या किसी भी व्यक्ति को आप पालिए, वो कुछ दिन में इतनी आवाज उठाने लगे कि हमसे बहस करने लगे, तो यही आपका देखा जा रहा है नेपाल में। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग पाकिस्तान से, सीमा हमारी लगती है, पड़ोसी हमारा पाकिस्तान, भारत से ही अलग होके बना था, समझ रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे अफगानिस्तान, पीओके वाला भी हिस्सा आपका अफगानिस्तान से लगता है, ठीक है, आपका जो यूरोप जो अफगानिस्तान है, ये पीओके वाला हिस्सा लगता है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो याद रखिए अगर पूछे आपसे कि अफगानिस्तान से सीमा हमारी लगती है तो कहिए हाँ, वरना वो क्या कहेंगे कि आप लोगों ने हाँ मान लिया कि नहीं लगती है, इसलिए आप नहीं बोल रहे हैं, तो हमारी सीमा लगती है, ठीक है। अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल की बात कर रहा था तो रूस पहले नंबर पर, कनाडा दूसरे नंबर पर, अमेरिका तीसरे नंबर पर, चीन आपका चौथे नंबर पर, ब्राजील पांचवें नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया छठवें नंबर पर, भारत आपका सातवें नंबर पर, ठीक है, भारत सातवें नंबर। आगे चलते हैं हम लोग, नीचे के मानचित्र में कुछ देश दिखाए गए जो पूर्ववर्ती सोवियत संघ के भाग थे, उनके साथ जलपेंडर रेखांकित करने के लिए दिखाए गए, कौन कौन से यहां दिखाना है, 1, 2, 3, 4, 5 में अंकित देश हैं, क्रमशः हैं कजाकिस्तान, आप देखेंगे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमीनिया, माफ करिए तुर्कमीनिया। उसके बाद आपका एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, मुझे डाउट हो रहा है इसमें भी, ये देश बड़े विचित्र टाइप का देश है, ये आपका 4 लिखा हुआ है, ठीक है कि एक है, बड़ी परेशानी है कही हो सर। कोई है, इसीलिए उसमें हम लोगों ने बात कर ली थी, आप लोग थोड़ा देख लीजिए, जरूर लीजिए उसे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए सहूलियत होगी, मुझे तो पता नहीं लेकिन आप लोगों को सहूलियत होगी। कजाकिस्तान आपको एक देखने को मिलेगा, एक सेकंड रुकिए आप लोग, देखिए ये हमारा प्यारा भारत हो गया, ठीक है, इसमें आप देखेंगे हमारा पड़ोसी श्रीलंका हो गया ये, ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप म्यांमार हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, नेपाल, भूटान, चीन,
पाकिस्तान अफगानिस्तान, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग, क्या उसमें क्लियर नहीं आ रहा है ना? देखिए आप लोग, थोड़ा दिख नहीं रहा है इसलिए। तो इसमें आप देखेंगे ये तजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में से वह देश जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है, आर्मेनिया की नहीं लगती है। दिया गया कच्चा खाका मानचित्र मध्य पूर्व के एक भाग को प्रदर्शित करता है, ABCD से आपको इसे अंकित करना है। इराक आपको देखने को मिलेगा, सीरिया, सीरिया, सीरिया। कभी कभी ऐसा होता है कि इतना, मतलब आप सोचिए कि हम लोग मस्त हो जाते हैं पढ़ने में कि हम लोग भूल जाते हैं कि बैटरी लो हो रही है लैपटॉप की, समझ रहे हैं? यही होती है असली पढ़ाई, कि जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग भूल जाएं कि कहाँ जाना है, पढ़ाई पर ध्यान दें पूरा, तब तो जाके सफलता मिलती है। इसके बाद आप देखेंगे ये है आपका इराक, सॉरी सऊदी अरब, उसके बाद ये जॉर्डन हो गया, ABCD। इजराइल के साथ साझी सीमाएं हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र की। चीन के साथ सीमावर्ती देश हैं मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, सॉरी उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया नहीं है। एक बात और आपको बता दूं यहाँ कि आप अगर, फिर से बोल रहा हूँ, आप अगर आपके पास टाइम है तो उसे जरूर देख लें, वर्ल्ड मैप्स को जब हम लोगों ने कवर किया था पूरे सभी देशों को, क्या है कि मैं जब चाइना की बात की थी तो चाइना के बारे में बताया गया था कि देखिए ये सीमा लगती है चाइना की इतने देशों से। अब ये आप अभी देखना चाहें आप तो देखिए, यह है चाइना, इसकी राजधानी बीजिंग, मंगोलिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नई भारत, नेपाल, भूटान, ठीक है, उत्तर कोरिया देखेंगे आप लोग, इतने यहाँ है उत्तर कोरिया, ये है उत्तर कोरिया ऊपर आपका, ये नीचे दक्षिण कोरिया, ऊपर आपका रूस है, मंगोलिया भी लगता है। ठीक, ध्यान दीजिए, नीचे दिए गए चित्र मानचित्र पर ध्यान देना, 1, 2, 3, 4 से अंकित देश क्रमशः हैं, लीबिया, सोमालिया, नाइजीरिया और नामीबिया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमाली प्रायद्वीप के अंग हैं, सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया, जिबूती। वह देश जिसकी सीमा एड्रियाटिक सागर से लगी है, अल्बानिया, बोस्निया, हर्जिनिया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मोंटेनेग्रो। बालकन देश हैं अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना और बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया। ठीक है, सेरा लियोन अवस्थित है पश्चिमी अफ्रीका में, कहाँ है? पश्चिमी अफ्रीका में। पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, लाटविया में से लिथुनिया के सीमावर्ती देश नहीं है, यूक्रेन नहीं है, कौन नहीं? यूक्रेन, कथन सत्य है। इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल का 60% से कम में फैला हुआ है। ओशिनिया के नाम से अभिज्ञात देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित देशों की संख्या है 14, कितनी? 14। ठीक है, कितनी? 14 है। स्कैंडिनेवियाई देशों के समूह में सम्मिलित है नॉर्वे, स्वीडन, उत्तरी फिनलैंड, भौगोलिक आधार पर स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक एवं भाषाई आधार पर। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस में से एक, सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती है, रूस की नहीं लगती है। भारत और चीन के अतिरिक्त म्यांमार के सीमावर्ती देश हैं थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश। ठीक है, अधीन क्षेत्र देख लेते हैं, ये देश हो गए, ये अधीन क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया, जो क्रिसमस द्वीप देखते हैं ना आप लोग, ये ऑस्ट्रेलिया के अंडर में आता है। ग्रीनलैंड, ये डेनमार्क के अंडर में। सांता क्रूज, यूएसए। मार्टिनिक, ये आपको फ्रांस। वह देश जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, तो आप देखेंगे ग्रीनलैंड, कौन सा? ग्रीनलैंड। सही सम्मेलन करना है आपको,
विश्व के द्वीप हो गए, और स्वामित्व वाले देश एलुसियन द्वीप यूएसए में, बियर द्वीप नॉर्वे, ग्रीनलैंड आपको डेनमार्क में, फेंजो जोसेफ द्वीप रूस में। या आपके जो भी आपके, चाहे आपके कोई नदी हो या मरुस्थल हो, कोई आप सोचिए देश हो, कोई द्वीप हो, ये सभी आपको मैप्स का सहारा लेकर बताया गया है। उस मैप्स वाले आपकी जो सीरीज चली थी तो उसमें आप लोग पढ़ते रहे, ठीक है। उससे स्थल रुद्ध देश अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस और लग्जमबर्ग में स्थल अवरुद्ध देश है लाइबेरिया। कौन सा? लाइबेरिया। अफ्रीकी देशों अंगोला, चाड, केन्या, सेनेगल में से स्थल वृद्ध देश है चाड। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों कंबोडिया, लाओस, मलेशिया और थाईलैंड में से स्थल अवरुद्ध देश है, ये आप देखेंगे लाओस। बोलीविया है एक स्थलबद्ध देश आपका। ये सही सम्मिलित है आपके, सूची हो गई, सूची दो। रेड क्लिफ रेखा आप जानते हैं भारत पाकिस्तान को अलग करती है, के बीच है। मैगी नोट रेखा फ्रांस जर्मनी, डूरंड रेखा अफगानिस्तान भारत। एक बात तो आपको याद रखनी चाहिए, डूरंड रेखा तब भारत और अफगानिस्तान के बीच थी जब पाकिस्तान हमारा हिस्सा था। अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है। आगे हो सकता है कि ऐसा दिन आए कि पाकिस्तान हमारे कब्जे में आ जाए पूरा, तब तो हमारी सीमा यही निर्धारण करेगी। हेंडेनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी। वह महाद्वीप जिसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है, वह है उत्तरी अमेरिका। क्या है? उत्तरी अमेरिका। स्थल बाधित देश है अफगानिस्तान, हंगरी, स्विट्जरलैंड। दक्षिण सूडान के लिए सही क्रम है, यह एक स्थलबद्ध देश है। इसकी मुख्य नदी ब्राइट नील है। अंतर महाद्वीपीय देश है जॉर्जिया, टर्की, अजरबैजान नहीं है, भू आबद्ध देश। देशों के पुराने नाम की बात करें अगर हम लोग, पुराना नाम और नया नाम, थाईलैंड को पुराने नाम क्या था? सियाम। ताइवान फार्मोसा, इराक मेसोपोटामिया। आप लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता सुनते हैं ना, जब हमारे यहाँ आप देखते हैं कि हड़प्पा काल था, उस समय की बात कर रहा हूँ। म्यांमार को आप लोग बर्मा के नाम से जानते थे पहले, ये वर्तमान नाम हो गए पुराने नाम। हरारे, इसे आप लोग सैलेसवरी के नाम से जानते थे पहले। इथोपिया को पहले आप लोग एबिसिनिया के नाम से जानते थे। घाना को पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से जानते थे। किनशासा को आप लोग लियोपोल्ड ब्लेयर के नाम से जानते थे। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था दक्षिणी रोडसिया के नाम से, ठीक है। फिर आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, वह नदी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है रियो ग्रांडे और राइन। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य। वह झील जो तंजानिया युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है विक्टोरिया। नीचे दिए गए हुए मानचित्र पर ध्यान देना है आपको, क्या देना है? ध्यान देना है अच्छे से। मानचित्र में बिंदुओं से बनी टूटी रेखा है डूरंड रेखा, ये समझ रहे हैं। ये आपका बलूचिस्तान, पंजाब, राजपूताना, अफगानिस्तान। मैकमोहन लाइन रेखा बनाती है भारत और चीन के बीच। भारत चीन से नहीं मानता, याद रखिए तिब्बत और भारत के बीच हुआ करती थी और अंग्रेजों के समय की थी। इसी को लेकर तो आप लोग विवाद चल रहा है, आप देखते रहते हैं, हम लोग इसे मानते हैं। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच। 38वीं समांतर रेखा सीमा रेखा विभाजित करती है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को, यह भी कई बार पूछ ली गई है। मैगी नोट रेखा थी फ्रांस और जर्मनी के बीच। अल्पाइन लाइन विभाजित करती है फ्रांस और इटली को, फ्रांस और इटली को, ये देश हो गया और देशों की राजधानियां, देश और राजधानियां। स्लोवेनिया लिजू बिलिजना, सेसल, विक्टोरिया, सेरा लियोन, फ्रेटाउन, उज्बेकिस्तान, ताशकंद। वह नगर जो किसी देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है, विस्बेन, ऑस्ट्रिया। कई लोगों ने पूछा है कि इसके लिए क्या किया जाए, क्योंकि देश देखिए इतने हैं कि उन्हें रट पाना उनके बारे में मुझे नहीं लगता है संभव है। आप लोगों के लिए नहीं, हर किसी के लिए, सभी देशों के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट रट पाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया करिएगा, जिस साल आप लोग पेपर दे रहे हैं उस साल जो भी देश करंट में रहता है, चर्चा में रहता है, उन्हीं के बारे में आप लोग महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी कर लिया करिएगा और उन्हीं से क्वेश्चन से देखे जाते हैं। इसीलिए आप करंट पढ़ते हैं ना, तब आपको सब कुछ बता दिया जाता है।
म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी है लाए पी ता। सही सुन लेते हैं, देश हो गया राजधानी। बहामास नस्सारू, कोस्टारिका सानजोस, निकारागुआ मानागुआ, मानागुआ डोमिनिया डोमिनिकन रिपब्लिक, सांटो डोमिंगो युगांडा, कपाला उज्बेकिस्तान, ताशकंद यूक्रेन कीव। पेरू की राजधानी है लीमा। बेना देश की राजधानी है ऑस्टिया। ऑस्टिया लुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पिसा स्थित है इटली में। यह भी आपकी राजधानी हो गई, देश हो गए। अम्मान जॉर्डन, राजधानी अम्मान किसकी है? जॉर्डन की। बिस्केक किसकी है? किर्गिस्तान की। उलन बटोर मंगोलिया की। सनाइया यमन की। दुशानबे तजाकिस्तान की। सूची एक सूची दो, देश हो गए राजधानी। बुल्गारिया सोफिया की, जॉर्जिया तिबलिसी आइसलैंड, रिक्याविक की। ठीक है, आइसलैंड की रिक्याविक है। ये देश हो गए आपकी राजधानी। साइप्रस निकोसिया, लेबनान बेरूत, टर्की अंकारा। देश राजधानी चीन बीजिंग, कनाडा ओटावा, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, रूस मास्को। देश हो गए राजधानी बुरुंडी, इसके राजधानी है बुजुम बुरा। कजाकिस्तान अस्ताना, लाओस वियतियाने, माली बमाको। देश राजधानी फिनलैंड, हेलसिंकी, बोलिविया लापाज, इथोपिया आदिस अबाबा। ये भी आपके सही सुन लेते हैं, सूची एक सूची दो, देश और राजधानी। अजरबैजान बाकू, गैम्बिया बांजुल, लाटविया रीगा। देश और राजधानी ब्राजील ब्राजीलिया, क्यूबा हवाना, कोस्टारिका सेंजोस, पेरू लीमा, आइवरी कोस्ट यामोसिको। देश राजधानी फिजी सुबा, फिनलैंड हेलसिंकी, गुआना जॉर्जटाउन, लेबनान बेरूत। देश राजधानी श्रीलंका कोलंबो, मालदीव माले, जिम्बाब्वे हरारे, मॉरिशस पोर्ट लुइस। ठीक है, सूची एक सूची दो, देश तजाकिस्तान दुशांबे, तंजानिया डोडोमा, स्विट्जरलैंड बर्न। देश राजधानी फेलेस्टाइन राम लल्ला, ये राजधानी इसकी। कोसोवो की पिस्टिना पिस्टिना, टर्किस टर्किस साइप्रस, निकोसिया ताइवान ताइपे। देश हो गया राजधानी वेनेजुएला कारकस, न्यूजीलैंड वेलिंगटन, कोलंबिया बगोटा, साइप्रस निकोसिया। सूची एक सूची दो, राजधानी हो गई देश विंडहाग नामीबिया, अक्करा घाना, नैरोबी केन्या, लोसाका जाम्बिया, अबूजा नाइजीरिया। राजधानी हो गई देश कोपेनहेगन डेनमार्क, बर्लिन जर्मनी, पेरिस फ्रांस, ऑस्लो नॉर्वे। राजधानी हो गया देश बुडापेस्ट हंगरी, किसाना किसासा किंसासा, जेरे वॉलिंगटन न्यूजीलैंड। ये देश ठीक है, वॉलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी वॉलिंगटन। ये विश्व के नगर हो गए आपके। एक कथन, संसार का अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है। सही है, वे अंतरराष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वारा हैं। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ए झील हो गई नगर, एरी झील, डेट्रॉइट मिशिगन, गैरी ओंटारियो हैमिल्टन, सोफिया डुलुथ। ए मानचित्र हो गए मध्य एशिया क्षेत्र के, 1 2 3 4 से अंकित हैं। अस्खाबाद, फिर से आपका देख रहे हैं आप लोग, एक बार फिर से चलते हैं हम लोग मैप्स पर। एक मिनट रुकिएगा आप लोग, देखिए आप लोग क्या देखना है, ये देखना है। दोसांबे किसकी राजधानी है? तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, और आप देखेंगे इसके बाद दुशांबे हो गई, अश्गत तुर्कमेनिस्तान की हो गई। ठीक है, इनसे क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार ये राजधानियां भी लगाने के लिए आ जाता है। क्या आ जाता है? राजधानियां लगाने के लिए आ जाता है। तो यहाँ आपसे पूछ लेता है कि तुर्कमेनिस्तान की अश्गत अश्गत, और आप देखेंगे तजाकिस्तान की दुशांबे, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, किर्गिस्तान की बिश्केक। ठीक है,
ये याद रखना है अच्छे से। दिए गए मानचित्र ABCD में अंकित नगरों के नाम से सम्मिलित करना है। ए आपका लागोस, ए आपका बी क्या हो गया, कुआलालंपुर, ये आप देखेंगे नैरोबी। ठीक है, और नैरोबी डार्विन, डार्विन यहाँ आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा, डार्विन। ठीक है, क्या है यार, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो जाता है ना जब प्रिंट आउट निकालते हैं तब। अलास्का का हिस्सा है यूएसए का, अलास्का किसका हिस्सा है, एक बार मैप्स में आप लोगों को दिखा दूं क्या। देखिए ये है हमारा भारत, यहाँ नेपाल, पाकिस्तान, ये म्यांमार, यहाँ देखेंगे लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है, हनोई, ये सभी आपके देश हैं। मलेशिया, मलेशिया कुआलालंपुर देख रहे थे आप जो, ये कुआलालंपुर ये मलेशिया की है। ठीक है, किसकी, मलेशिया की, यहाँ पड़ेगा शायद मलेशिया आपका। ठीक है, डार्विन आपकी, डार्विन जिसकी बात कर रहा था ना, डार्विन अफ्रीका में पड़ता है, माफ करिएगा, अफ्रीका महाद्वीप चलते हैं। देखिए डरबन, ये है डरबन आपका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में, केप टाउन, ये सभी यही है। मुझे तो लगता है कि अगर अभी नहीं, चलिए पेपर हो उसके बाद आप लोग पेपर के बाद भी इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए उसे, ठीक है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं और सरल भी रहते हैं, लेकिन आप लोग गलत कर देते हैं। कैलिफोर्निया यूएसए के कैंपबेल, पालो अल्टो, सांता रोसा एवं सांता क्लारो में से सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है, सांता रोसा नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है केप टाउन में, कहाँ, केप टाउन में, कहाँ है, केप टाउन में, देखिए यह है केप टाउन। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिए गए पाकिस्तानी नगरों की शहर की बात करें तो पेशावर, उसके बाद इस्लामाबाद, गुजरानवाल, गुजरानवाला और मुल्तान। ठीक है, पाकिस्तान आपका पड़ोसी है ना मित्र आपका। कंधार स्थित है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफगानिस्तान में, यूरोप में पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित है, लेस्बन, लंदन, फ्रैंकफर्ट, बेरूत। दक्षिण एशिया में सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा नगर है ल्यासा, ये स्थान हो गया देश, अरोविले भारत में, बैकानूर कजाकिस्तान, बाडुंग ए इंडोनेशिया, वट्टिकलोवा ए चीन, सॉरी श्रीलंका, सूची एक सूची दो। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है, सिसली इटली का स्वायत्त प्रदेश है, न्यूफाउंडलैंड कनाडा के पूर्वी भाग में स्थित है, डरबन दक्षिण अफ्रीका में, निकोसिया साइप्रस में, वह देश जो आर्कटिक बेल्ट के दक्षिण में पाया जाता है, आइसलैंड, सनसेटी अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में, ये देश हो गए। और सबसे बड़ा नगर कनाडा की बात करें तो टोरंटो, ग्रीस की एंथेक्स, नाइजीरिया लागोस, सीरिया एमस्कस। ठीक है, शहर हो गए, नगर शहर और देश, दावोस स्विट्जरलैंड, बार्सिलोना स्पेन, ऑकलैंड न्यूजीलैंड, कैंडी श्रीलंका, कांटो मैदान जिस देश में स्थित है वह है जापान में, मैक्सिको देश स्थित है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, कांगो स्थित है अफ्रीका में, माल्टा अवस्थित है भूमध्य सागर में। ये नगर हो गए, अब अक्षांश हो गए। जकार्ता की बात करें तो 6 डिग्री 12 मिनट साउथ में, सिंगापुर 1.3 डिग्री नॉर्थ में, बैंकॉक 13 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में, हनोई 21 डिग्री 2 मिनट नॉर्थ में। भौगोलिक उपमान कई बार पूछ लेता है, मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर, पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जानते हैं दक्षिणी अमेरिका को, पक्षियों के नाम से जानते हैं, सूची हो गई सूची। नियाग्रा प्रपात कहाँ देखने को मिलेगा, न्यूयॉर्क शहर में। हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं, फिनलैंड को। एफिल टावर कहाँ है, पेरिस में। विश्व की छत किसे कहते हैं, पामीर के पठार को। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, अफ्रीका को। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है,
मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती कहते हैं बहरीन को। धोम नगर के नाम से जाना जाता है शिकागो को। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है श्रीलंका को। दक्षिणी अमेरिका का वह नगर जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है ब्यूनस आयर्स। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राज्य जिसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है कैन टोकी। तुर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है इस्तांबुल। वह देश जिसको श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है थाईलैंड। सूर्योदय का देश नाम से प्रसिद्ध है जापान। झीलों की वाटिका कहा जाता है फिनलैंड को। शहरों का नगर कहलाता है वेनिस। स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को। पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं ओसाका जापान को। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकाल झील को। प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है कोरिया को। किसे? कोरिया को। जलमंडल सबसे गहरा सागर है दक्षिण चीन सागर। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है लगभग दो तिहाई। कितना? दो तिहाई। ठीक है। समुद्री तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थित है उत्तरी ध्रुव। क्या? उत्तरी ध्रुव। डेटम रेखा स्थित है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है प्रशांत महासागर। उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करने वाला कटक है मध्य महासागरीय कटक। 90 ईस्ट रिज स्थित है हिंद महासागर में। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल रहता है एक तिहाई एटमोस्फियर से कम तनाव पर। सत्य कथन है पृथ्वी ग्रह उपयोग के लिए उपलब्ध आलबड़ जल मीठा कुल प्राप्त जल की मात्रा की लगभग 1% से भी कम है आपका। ठीक है। जो आप शुद्ध पानी करते हैं जो पीने योग्य यूज होता है। ठीक है। और 99% एक तरह से आप कहिए हमारे पास वो पानी मतलब बेकार है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है महाद्वीप महाद्वीपीय और पर्वतीय हिम नदियों स्थायी में। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश आलवण जल बर्फ छत्र को हिमनद के रूप में रहता है। शेष आलवण जल का सबसे अधिक भाग है भूमिगत जल के रूप में। महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग है गहरे सागरीय मैदान में। ये विश्व के प्रमुख समुद्र टर्की स्थित है काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है। सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है भूमध्य सागर काला सागर कैस्पियन सागर अरल सागर। एक बार मैप में चलिए आप लोग देखिए ये है एशिया महाद्वीप ये आपका यूरोप ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया। उसके बाद आप देखेंगे ये आपका दक्षिणी अमेरिका ये उत्तरी अमेरिका। यहाँ देखेंगे आप लोग अंटार्कटिका ये आपका है। ठीक है। ये अरब सागर हो गया ये हिंद महासागर हो गया। आप जानते हैं कि हमारे देश के नाम पर इसका नाम पड़ा थाईलैंड की खाड़ी बंगाल की खाड़ी लक्षद्वीप सागर। उसके बाद ये है अदन की खाड़ी लाल सागर फारस की खाड़ी ये भूमध्य सागर है। ठीक है। ये कृष्ण सागर हो गया कैस्पियन सागर आंतरिक सागर है कैस्पियन सागर जिस महासागर से सार्गासो संबंधित है वह उत्तरी अटलांटिक। सार्गासो समुद्र की विशिष्टता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। इटली सिसिली सर्डिनिया एवं कोरसिका से घिरे सागर का नाम है टेरहिनियन सागर। अरल सागर के किनारे स्पर्श करते हैं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को। वह अफ्रीकी देश जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है यह चाड। कौन सा? चाड देश जिसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। महासागरीय धाराओं की बात करें तो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं पृथ्वी का आवर्तन वायुदाब और हवा महासागरीय जल का घनत्व। महासागरीय धाराओं से संबंधित कथन है आप देखेंगे महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूभाग भूपृष्ठ संचलन होती है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। ठीक है। हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के उत्तरदायी कारक है हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह का पाया जाना। अगुलाहास धारा चलती है ये हिंद महासागर में। कहां? हिंद महासागर में आपका पड़ोसी है हिंदुस्तान। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह का द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है नॉर्वे। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है बेंगुला।
दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं की एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है, कनारी धारा। ये सभी जो ठंडी जल धाराएं हैं, कहाँ आती हैं, कौन आती हैं, कैसी स्थिति है, सबके बारे में बात की हुई है। जाइए आप लोग देखते रहिए। सूची एक, सूची दो, ब्राजील धारा ये आपको दक्षिण अटलांटिक महासागर में देखने को मिलेगी, हम्बोल्ट धारा दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर, अबुलहास धारा हिंद महासागर। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय धारा है। नीचे दिए गए महासागरीय धाराओं का एक में ये बेंगुला और गिनी, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। फिर आपकी सूची एक सूची दी, पश्चिमी वायु प्रवाह पश्चिमी वायु के क्षेत्र के ऊपर से पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है। पेरू धारा प्रशांत महासागर की धारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा हिंद महासागर में। विषुवतीय धाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करेंट की पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या होती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन से ये लवणता, इससे भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बन जाते हैं। महासागरीय जल में लवणता की प्रवणता को दर्शाता है हेलो क्लाइन रेखा। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। सागरीय जल की लवणता में अधिकतम योगदान होता है सोडियम क्लोराइड का। किसका? सोडियम क्लोराइड का। उच्चतम लवणता पाई जाती है वान टर्की झील, वान झील टर्की में। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। ग्रेट साल्ट स्थित है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है 36 PPT। ज्वार भाटा महासागर में ज्वारभाटा की उत्पत्ति के कारण गुरुत्वाकर्षण, अपकेंद्रीय बल और क्या कारण है? अविकेंद्रीय बल। ये तीनों अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार उत्पन्न होने का कारण है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। कथन और कारण, लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर और निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होते हैं। बिल्कुल सही है। लघु ज्वार भाटा बेहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद के स्थान पर नवचंद के समय होते हैं। एक गलत है आपका, आर ए सही है और आर कथन गलत है आपका। कथन ए सही है, कारण आर गलत है आपका, ठीक है। बेहद ज्वार आता है जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तब आप देखेंगे बेहद ज्वार देखने को मिलेगा। महासागर में ऊंची जल तरंगें होती हैं चंद्रमा के कारण। किसके कारण? चंद्रमा के कारण। ये महासागरीय गलत हो गए। सूची सूची महासागरीय गर्त और स्थान, एलुसियन उत्तरी प्रशांत महासागर, कर्मेडिक दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, सोंडा हिंद महासागर में, एस सैंडविच दक्षिण अंध महासागर में। जिसका सबसे गहरा समुद्री गर्त है चैलेंजर मैरियाना गर्त। डायमेंटिना गर्त परीक्षा स्थित है हिंद महासागर में, ठीक है। चैलेंजर आपकी मैरियाना देखने को मिलेगी आपको प्रशांत महासागर में। विश्व की प्रमुख नदियां, अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है अमेजन। वह नदी जो विषुवत रेखा को दो बार काटती है, कई बार क्वेश्चन बन चुका है। जारी नदी, जारी नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन। वे देश जो नील नदी द्वारा अपवाहित होते हैं, रवांडा बुरुंडी आर कांगो, केन्या इथोपिया सूडान दक्षिण सूडान मिस्र। नील नदी यानी कि ब्लू नदी निकलती है ताना झील से। किससे? ताना झील से। मिस्र नील नदी का उपहार है। बिल्कुल सही है। वह सहारा मरुस्थल में एक नखलिस्तान है। ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ए मानचित्र में दर्शाई गई नदी है कौन सी नदी है? सालविन, ठीक है, म्यांमार के पास। एशिया की वह नदी जो दक्षिण को प्रभावित होती है सालविन। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांग्त्सी। एबीसी के रूप में चिन्हित के अवयवदोनियों का नाम है पराना नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी और ये आपका जम्बेजी नदी, सिंधु नदी। दिए गए मानचित्र में अंकित एबीसी नदियों के नाम है यूकॉन नदी, मैकेंजी नदी, सेंट लॉरेंस नदी और ओरिनोको नदी, ठीक है। सर और आमू नदियां गिरती हैं अरल सागर में। काला सागर में गिरने वाली नदी द्रव है नीपर डेन्यूब। बोलगा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। भारत के बारे में हम लोग यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, आगे विस्तार से पढ़ेंगे भारत
कि जब भूगोल के बारे में बात करेंगे ना तब। ठीक, सूची एक, सूची दो, नदियां हो गई, प्रवाहित हो गए, लीना रूस आर्टिक सागर, अबू रूस चीन, प्रशांत महासागर तरारी की खाड़ी में गिरती है, टिग्रिस तुर्की सीरिया ईरान फारस की खाड़ी में, माही मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात अरब सागर में। वह नदी जो भैरस घाटी में से बहती है, राइन। अब अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा को दो बार काटती है, लिम्पोपो। ठीक है, वह देश जो अरीय अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, श्रीलंका। महावेली नदी, गंगा नदी, गंगा एक नदी है श्रीलंका की। सूची एक, सूची दो, ये नदी हो गया देश। नीपर ये यूक्रेन में देखने को मिलेगी, फो इटली, राइन जर्मनी, रॉन स्विट्जरलैंड। हिमानी झील इटास का स्रोत है, मिसिसिपी नदी पर, कब मिसिसिपी नदी का। नदियों के किनारे स्थित नगर, ये भी कई बार पूछ लेता है, वनडे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स में भी आपके बन जाते हैं। खार्तूम नील नदी के किनारे देखने को मिलेगा, न्यूयॉर्क, हडसन नदी, बर्लिन, स्प्रे नदी, पेरिस, सीन नदी, वॉशिंगटन डीसी, पोटोमेक नदी, मैट्रिक, मेजेन रेस नदी। ठीक है, सूची एक, सूची दो, नगर हो गए, नदी हो गए, लाहौर पाकिस्तान, रावी नदी, रोम इटली, टाइबर नदी, लंदन वेटन टेम्स नदी, वेना ऑस्ट्रिया, डेनूब नदी, काहिरा मिस नील नदी, वेना ऑस्ट्रेलिया, डेनूब नदी। ठीक है, ये नगर हुआ है, ये नदी हो गई। पर्थ ऑस्ट्रेलिया, स्वान नदी के किनारे, बुडापेस्ट हंगरी, डेनूब नदी, हेम्बर्ग एल्ब नदी, बेलग्रेड डेनूब नदी, कीव नीपर। वह नगर जिसके जिससे होकर हुआंग पू नदी बहती है, ये शंघाई। ये नगर हो गया आपकी नदी। बैंकॉक मैनाम चाओ फाया नदी है, नाम पेन मेकांग, हनोई लाल नदी, रेड रिवर, यांगून इरावती नदी और देश। पोटोमैक यूएसए, नील सूडान, टिग्रिस इराक, टेम्स इंग्लैंड, टेम्स इंग्लैंड। ये नगर हो गया आपके, सही हो गए नगर और नदी। बेलग्रेड टेनू, रोम टाइबर, वार्सोवा, विस्टुला, वॉशिंगटन, पोटोमैक, ये भी सही है। सूची एक, सूची दो, नगर नदी। एंटवर्प, सेल्थ, रोटरडैम, राइन, हेम्बर्ग एल्वे। नदियों द्वारा निर्मित स्थल प्रारूप हो गए। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां नदी हो नहीं होते हैं, गहरा समुद्र नहीं होते हैं वहां। बेस का बेहतम यानी कि बड़ा डेल्टा निर्मित होता है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। ग्रैंड कैनियन एक खंड है। चेसापानी गॉर्ज स्थित है नेपाल में, कहां? नेपाल। द्वीप, वह द्वीप जिसको सीप द्वीप के नाम कहा जाता है, यह फरो द्वीप। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप है न्यू गिनी। सबसे बड़ा पहले एक नंबर पर है आपका ग्रीनलैंड, फिर उसके बाद न्यू गिनी। नूक डेनमार्क की राजधानी की समुद्र तल से ऊंचाई 1 से 3 मीटर तक है, बिल्कुल सही है। पूर्वी द्वीप समूह का वह द्वीप जो 3 देशों में विभाजित है, यह है बोर्नियो। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है बोर्नियो। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है हिंद महासागर में, ये आपके नीचे चित्र दिए गए हैं। मानचित्र में हिंद महासागर स्थित 4 द्वीप अर्थात ए, सेल्स, चागोस, मॉरिशस, सुकोबा को ए बी सी के रूप में आपको बताना है। तो एक देखेंगे आप चागोस, फिर आप देखेंगे सुकोबा, फिर आप देखेंगे मॉरिशस। यहाँ आइए आप लोग, सोकोट्रा, ये सोकोट्रा है, क्या है? सुकुआ आपको देखने को मिलेगा यहाँ। ठीक है, सेसल्स, अगर आपसे पूछे सेसल्स तो यहाँ है सेसल्स। ठीक है, बाकी बचा मॉरिशस, कौन सा बचा? मॉरिशस। ये है मॉरिशस, माफ करिएगा एक बार और देख लीजिए अच्छे से। ये मेडागास्कर के पास आप देखेंगे क्या है, मॉरिशस, और आप देखेंगे चागोस ये है। ठीक है, चागोस ये है आपका, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ आपका सुकुवा देखने को, सॉरी माफ करिएगा क्या है, चागोस, मॉरिशस और
सुकुआ, वो सेसल सुकुआ, सेसल से यहाँ है, सुकुआ यहाँ, ठीक है, याद रखिए। देखिए एक बार, क्या से क्या, मॉरिशस, उसके बाद सेसल्स, ये आप देखिए मालदीव से यहीं, इसके बाद यहाँ है आपका ये सुकुट्रा, ठीक है। एक तो क्या है कि पूरी तरह से क्लियर फ्रेंड नहीं आया हुआ है, तो बता बड़ा मैं खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। चागोस, मालदीव, मॉरिशस एवं सैकेली द्वीप में से दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है मॉरिशस द्वीप। मेलनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है न्यूगिनी, बेस्मार्क, आर्कियो पेलागो, सांताकूज, बनुआतू, सोलोमन, फिजी और न्यू कैलिडोनियो। डियागो गार्सिया स्थित है हिंद महासागर में। 1, 2, 3, 4 को से अंकित स्थान द्वीपों के द्योतक हैं। ये आप देखेंगे फॉकलैंड आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा एजोर, और आपको यहाँ देखने को मिलेगा आपका बहामा, और ये है आपका क्या, ये है आपका वाडे अंतरीप, ठीक है। सही कथन है फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। जापान का विशालतम द्वीप है होन्सू। मकाओ द्वीप चीन का को स्थानांतरित हुआ था 1999 में, कब, 1999 में। बली अरीको द्वीप समूह स्थित है भूमध्य सागर में। वह नदी जिस पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र में। द्वीपीय महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ग्रेनाडा द्वीप अवस्थित है कैरिबियन सागर में। ये झीलें कुछ आपकी है और जलप्रपात। विश्व की दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील कौन सी है, टंगानिका झील। बियर, सुपियर, व्यूरन और मिशिगन झीलों में से एक ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, बियर झील नहीं है। बाकी आप देखेंगे ग्रेट लेक्स का है आपका सुपियर, व्यूरन और मिशिगन, ये ग्रेट लेक्स का झील का उदाहरण मतलब हिस्सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की वेहट झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है, ऑन्टियो, एरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपियर। ये सभी झीलें भी आपकी कवर की हुई हैं। वह झील जो पूर्णतः यूएसए में स्थित है मिशिगन झील। झीलों का दृष्टि का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है, सुपियर, विक्टोरिया, बेकाल, ग्रेट, यानी कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है सुपियर, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ी ताजी पानी की झील है लेक सुपियर। विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है बैकाल झील। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। प्रसिद्ध अंगुलियोमा फिंगर झील स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। झीलों की वाटिका कहते हैं फिनलैंड को। 1,000 झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को। ये झील हो गई, देश हो गई। ब्रायलिंग झील ये डोमिनिका। 5 फ्लॉवर झील सिंचुआन चीन में। रेड लैंगून बोलिविया। ग्रेट क्लेव झील कनाडा। वह नगर जो सुपियर झील में पर स्थित है डुलुथ। झीलें देश, टिटिकाटा झील आपको बोलीविया पेरू में देखने को मिलेगा। उर्मिया झील ईरान में। रेंडिया झील कनाडा में। अथावास्का झील कनाडा। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल देखने को मिलेगा। एंजल प्रपात अवस्थित है वेनेजुएला में। विक्टोरिया जलप्रपात जिस नदी से संबंध रखता है वह है जम्बेजी। क्रोएशिया की प्लेट बिस झील है विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। सूची सूची दो। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। विश्व की सबसे बड़ी ताजी पानी की जल की झील सुपियर झील। विश्व की सबसे ऊंची नौगम झील टिटिकाका झील। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका झील। जल डमरू, मलक्का जल संयोजक में आने की जाने की सुविधा हिंद महासागर से चीन सागर तक। भारत और पूर्व एशिया के बीच नौ संचालन समय, नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं। सियान खाड़ी और अंडमान सागर के बीच के भू संधि जल डमरू के पार नई नहर खोलकर, ठीक है। वह जल संधि जो यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है जिब्राल्टर। हार्मुज जल संधि पाई जाती है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। एशिया उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू अलग करती है बेरिंग जल डमरू। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली जल डमरू है बेरिंग। सूची एक सूची दो। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका व यूरोप के मध्य स्थित है। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य स्थित है। बेरिंग जल संधि एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। आपकी जल संधियां भी कवर की गई हैं। एक बार आप, मुझे लगता है कि आप इसे छोड़ सकते हैं, उसे जरूर देख लीजिए आप लोग, क्योंकि मुझे यहाँ खुद नहीं आ रहा है मजा। वहां आपका मैप्स का पूरा सहारा लेके बताया गया है, आप खुद सोचिए कि
कि विज्ञान में आपको लोग जब तक प्रयोग नहीं करेंगे, प्रयोगशाला में नहीं बैठेंगे, आप लोगों को कहाँ मजा आएगा। आप देखते थे एनसीईआरटी जब हम कवर करते थे बोरिंग होने लगते थे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, हम लोगों को समझ में ही नहीं आता था। तो आप लोग मैप्स वाला पार्ट जरूर पढ़ लें, मानचित्र के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट में सूची है, इसे छोड़ दें चाहे आपको अगर लगता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान और निकोबार द्वीप से, वह जलडमरू जिसमें से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है, डोवर जलडमरू डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। ऐसे ही पूछ लेता है डोवर जल संधि कौन किसे किसे जोड़ती है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, या पूछ लेगा इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है कौन संधि, डोवर जल संधि। पाक खाड़ी है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच, फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती ओमान से, एक खाड़ी हो गई स्थिति, बोथनिया की खाड़ी स्वीडन फिनलैंड, बेफिन की खाड़ी कनाडा ग्रीनलैंड, कार्पेंटेरिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया, टोंकिन की खाड़ी वियतनाम चीन। हिंद महासागर और लाल महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है बाब अल मंदेब जल संधि। या तो आप लोग उन्हें सभी को क्लासों को कवर करने के बाद एक बार अच्छे से देखने के बाद लास्ट में इसे रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हैं, उसे विस्तार से देख सकते हैं इसे आप लोग रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक केवल पॉइंट है, एक तरह से आंकड़े हैं। नहरें, स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित है पथनयुग पोर्ट सईद और स्वेज, कथन ए उपकारण आ, स्वेज नहर बनाने से भारत की पश्चिम देशों से दूरी कम हो गई, बिल्कुल सही बात। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है आपका। संसार की सबसे बड़ी बोधवाहक नहर है स्वेज नहर, कौन सी, स्वेज नहर। मुंबई से स्वेज बंदरगाह जाने के लिए नहीं गुजरना होता है, स्वेज नहर से होकर नहीं जाना पड़ता है। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अंध महासागर को, सू नहर जोड़ती है सुपीयर और ह्यूरन को। वह देश जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है, तो यह निकारा गुआ, निकारा गुआ। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, ठीक है। अब विश्व के प्रमुख कुछ बांध देख लेते हैं हम लोग। परारा नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व का सबसे बड़े बांधों में से एक है, यह संयुक्त परियोजना है ब्राजील और पराग्वे की, किस किस की, ब्राजील और पराग्वे की। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है गुआंग डोंग प्रांत की जुहाई में, ठीक है। ये नदी हो गए, ये बांध हो गए। कोलोरेडो, हुआर, दामोदर, पंचेत हिल, नील, अस्वान, जम्बेजी, करीबा। अस्वान उच्च बांध स्थित है मिस्र में, कहाँ है, मिस्र में। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया था, वह स्थान है जांगमऊ, कौन सा, जांगमऊ। ये बांध हो गए नदियां ग्रैंड कोडली, ग्रैंड कुली एक कोलंबिया में, नोरेक वक्स में, काहुरा काबूरा वासा ये जम्बेजी। प्रवाल भीति स्थित है, प्रवाल भीति क्या है, प्रवाल भीति। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय पाई जाती है करक एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। ग्रेट बियर रीफ स्थित है ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भीति है। ग्रेट बियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बियर रीफ स्थित है क्वींसलैंड तट के समीप, तो याद रखना ग्रेट बियर रीफ ऑस्ट्रेलिया। वायुमंडल के बारे में कुछ जान लेते हैं। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा आप नाइट्रोजन देखेंगे फिर ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन का। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है जो मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वो है जो मंडल। याद रखिए जो मौसम गतिविधियां होती हैं वो किस मंडल में होती हैं, कई बार पूछा जा चुका है, तो जो मंडल में। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल और तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। आपने तो कई बार पूछ लिया गया कि जेट विमान कहाँ उड़ते हैं, किस मंडल में, समताप मंडल में, ठीक है, शांत रहता है यहाँ। ओजोन परत अवस्थित रहती है, ये भी कई बार पूछ लिया है, समताप मंडल में। सूरज से निकलने विनाशकारी रेडिएशन से जीवन सुरक्षा करता है ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत। इसीलिए तो जब भी क्षरण की बात होती है तो आप लोगों देखते हैं चिंता व्यक्त की जाती है इस पर, जो सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक किरणें होती है उन्हें रोकने का काम करती है। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना,
ओजोन परत अवस्थित है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में, ठीक है। फिर रेडियो, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है आयनमंडल, आयनोस्फीयर, ठीक है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की जिम्मेदार परत है आयनमंडल। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को परावर्तित किया जाता है आयनमंडल द्वारा, ये भी याद रखिए। संचार उपग्रह वायुमंडल में अवस्थित किए जाते हैं वायुमंडल में। जो मंडल मौसम संबंधी घटनाएं, समताप मंडल, ओजोन परत, आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगें, जिनसे आप देखते हैं बाकी मोबाइल फोन इस तरह की ये तरंगों की बात करते हैं, वही की बात कर रहा हूं। सूर्याताप, सूर्याताप वायुमंडल कथन ये है, वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से और प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगे पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती है। ए बी ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता का अभाव होता है और ऊपरी वायुमंडल में हवा कम होती है। कैसी होती है? कम होती है। आपकी सबसे अधिक सूर्यातप को परावर्तित करती है क्या? नवपात हिम से आच्छादित भूमि। सही कथन है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिचय अधिक होता है, क्योंकि आप देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में आपको जल अधिक देखने को मिलेगा, ठीक है। पृथ्वी का सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया गया 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। इस पॉइंट को भी याद रखिए। पृथ्वी का हमारी पृथ्वी का सबसे उच्चतम तापमान, ऊंचा तापमान आपको रिकॉर्ड किया गया किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। चक्रवात कथन ये, पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती है। कारण आर, हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती है। दोनों सही है, आर और ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जोड़ते हैं कैरिबियन सागर से। किससे? कैरिबियन सागर से। संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो एली कहा जाता है मिसिसिपी मैदान को। सामान्य रूप से टॉर्नेडो सब मत संबद्ध है यूएसए से। टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है फुजीटा स्केल। टाइफून नामक चक्रवात से अधिक प्रभावित क्षेत्र है चीन सागर। ए सूची एक, सूची दो, ऑस्ट्रेलिया, विली विली, चीन, टाइफून, ये चक्रवात है। इस तरह आप देखेंगे देश हो गए, चक्रवात भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, हरिकेन, विली विली, ये आप देखेंगे उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है। बागियो चक्रवात संबंधित है फिलीपींस से। हरिकेन द्वारा क्षति के मापने के लिए उपयोग किया जाता है साफिर सिम्पसन मापक का। बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है तूफान का। नरगिस चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है म्यांमार। उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्व प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। इसका कारण क्या है? समुद्री पृष्ठों के तनाव निम्न है। आर्द्रता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं आपके। कथन ए, वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबद्ध है। बिल्कुल सही है। नमी को जल वाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबद्ध है। बिल्कुल सही है। ए आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला हो, ठीक है। वायु दाब कथन ए, कारण आर, दोनों गोलार्धों में गोलार्धों के 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टियां होती हैं। निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं। आर गलत है, ए आपका सही है। सत्य कथन है, सागरों के ऊपर लगभग 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर विद्यमान दो कटिबंधों में से प्रत्येक हौस अक्षांश कहलाते हैं, ठीक है। वायु दाब सबसे कम होता है गर्मी के टाइम में, ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। बादल, वह बादल जो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं वो कहलाते हैं वर्षा स्तरी। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल है पश्चात स्तरी। स्तरी मेघ गर्जन के कारण सघन उच्च ताप आर्द्रता तथा ऊर्ध्वाधर हवा है, ठीक है। हवाओं की अगर बात करें हम लोग तो कथन ए, कारण आर, उत्तरी गोलार्ध में पवन पितिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन पितिरूप वामावर्त होता है। बिल्कुल सही है। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन पितिरूप की दिशाओं का निर्धारण कोरियोलिस प्रभाव से होता है।
दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। अभी कथन ए, हवा के पेंटरन दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त और उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में वामावर्त होते हैं। बिल्कुल गलत है कथन। कारण आर, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैटर्न कोरियोलिस प्रभाव से निश्चित होते हैं। आर सही है, ये कथन आपका गलत है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें अधिक सशक्त और स्थायी होती हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है आपका। ठीक है, गरजती 40 प्रचंड 50 और चीखता 60 दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने हैं आपकी, इन्हीं का नाम दिया गया है। तूफानी 40 के बारे में सत्य कथन है, बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती हैं। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। मेघाच्छादन, आकाश, वर्षा और खराब मौसम इसके कारण सामान्य तौर पर संबंधित है। ठीक, लंबी 40 पवने प्रभावित होती है हिंद महासागर में। वह सशक्त समुद्री हवाएं जो 40 से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य प्रभावित होती हैं उन्हें कहा जाता है रोगिंग 40। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चेनुक हवाएं के कारण है जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के कई के बाई ओर विचलन का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवने होती हैं व्यापारिक पवने। पवनों की मौसमी उत्क्रमण प्रारूपी अभिलक्षण है मानसूनी जलवायु का। स्थानीय हवाएं, सूची एक सूची दो। स्थानीय हवाएं होंगे क्षेत्र, फौन, आल्पस पर्वत, सिमुक, कुर्दिस्तान, सेंटायना, कैलिफोर्निया, जोंडा, अर्जेंटीना। फौन एक स्थानीय पवन है स्विट्जरलैंड की। सही सुमलन करना है फौन, आल्पस पर्वत, बोरा, इटली उत्तरी भाग, मिस्टल, राइन नदी, खमसे, मिस। ये भी सही सुमलित है आपके चिनूक, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिराकू, सिसिली, बिलिजार्ड, साइबेरिया, नॉर्वेस्टर्न, नॉर्वेस्टर्स, भारत। वह देश जहां रुधिर वर्षा होती है ये इटली में देखने को मिलेगी। वन, विश्व वन क्षेत्र में से एक के फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है वह शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन। वह देश जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संविधानिक प्रावधान है भूटान। आपका पड़ोसी है ना भूटान, वैसी सिक्किम के पास। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं ब्राजील में। भूमध्य रेखा के निकट पाए जाने वाले वन है उष्ण कटिबंधीय वन। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। विस्तृत उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं कांगो घाटी में। टेगा वन विशिष्टता है समशीतोष्ण क्षेत्र की। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन है अमेजन बेसिन में। सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित देश है जापान। कोणधारी वन पाए जाते हैं 56 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। शंकुधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र से। अफ्रीका का वह देश जिसमें सघन उष्णता वन है आइवरी कोस्ट में। कहा? आइवरी कोस्ट में। कथन एक और कारण आर, शीतोष्ण वनों के विपरीत यदि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का निर्वर्तन किया जाए तो उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं। ये गलत है। शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की उत्पादकता बहुत अधिक होती है। आर सही है, ए गलत है। ठीक है, यदि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाए तो यह उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव देखने को मिलता है। सूची एक सूची दो। इमारती लकड़ी और देश, देवदार कनाडा, डगलस फर मेक्सिको, महोगनी होंडुरास, सागौन म्यांमार। सूची एक सूची दो। मानसूनी वन सागौन तथा साकू, विषुवत रेखीय वन महोगनी एवं रोजवुड, भूमध्य सागरीय वन आलू बुखारा एवं जैतून, कोणधारी वन चीड़ तथा फर। विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है अमेरिका। वह देश जो विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। डेल वर्जिया जाति से संबंधित पौधा है सीसम। फिर आपका विश्व जलवायु, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि के समय विस्तार में भिन्नता का कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण और पृथ्वी का नक्त कक्ष पर परिक्रमण। महाद्वीपों के अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका कारण क्या है? भूमि और जल के बीच ताप
तापीय अंतर। मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित है वह है अक्षांश। पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है शुष्क प्रदेश। कौन सा? शुष्क प्रदेश सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। कथन ए, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है। सही है, उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर की समय नहीं वर्षा होती है। ये भी सही है, ए आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं एशिया महाद्वीप में। वह भौगोलिक क्षेत्र जिसकी सुस्पष्ट विशेषता निम्नलिखित है, उष्ण और शुष्क जलवायु, सुहाना और आर्द्र शीतकाल, और सदाबहार ओक वृक्ष। वह क्षेत्र है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कौन सा? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। एक तरह से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ये सभी विशेषताएं हैं। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु मुख्य विशेषता है निश्चित शुष्क और आर्द्र शुष्क। कथन ए उकारण आर। विषुवतीय रेखा प्रदेश का पर्यावरण पौधे के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। विषुवत रेखीय प्रदेश में औसतन वार्षिक तापांतर बहुत कम है। ए और आर दोनों सही है, ठीक है, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है। अमेरिका का वह नगर जिसमें भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, यह है न्यूयॉर्क। कौन सा? न्यूयॉर्क। जलवायु चरम, वर्षा कम और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे, यह सबसे अच्छा वर्णन करता है मध्य एशियाई स्टेप क्षेत्र का। वह देश जिसमें सर्दियों सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है, यह नॉर्वे। कौन सा? नॉर्वे। आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु विशेषता है इटली की। किसकी? इटली की। प्रदेश क्षेत्र जलवायु की कहा, कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका, भूमध्य सागर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उष्ण मरुभूमि, बांग्लादेश उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, साइबेरिया रूस शीतोष्ण, कांगो विषुवतीय और सूडान सवाना। कथन ए कारण आर। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है। बिल्कुल सही है, जाड़ों में यहाँ पछुआ हवाएं चलती हैं। ए भी सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी दे रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही दे रहा है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है शीत यानी कि जाड़ी ऋतु में। कथन ए कारण आर। उत्तर पश्चिम यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। बिल्कुल सही है, दक्षिण पश्चिम हवाएं वर्ष भर उत्तर पश्चिम यूरोप की ओर बहती है। ये सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं दे रहा है। बिल्कुल, दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित जलवायु है भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु दोनों है, ठीक है। जारे से नीदरलैंड जाते समय जलवायु प्रदेशों का सही क्रम है, भूमध्य रेखीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, ये सभी। संसार का आद्यतम स्थान है मासिनराम। एक पॉइंट याद रखना, ये आपका मेघालय में देखने को मिलेगा, यहाँ सबसे ज्यादा आपकी वर्षा होती है, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा हमारे भारत की मासिनराम मेघालय में होती है, ठीक है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान पूछे तो बारकोयास है, ठीक है। अत्यधिक गर्म सहारा मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा मासिनराम, अत्यधिक सूखा चिली में पड़ता है। एल नीनो बनाता है प्रशांत महासागर में। हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं बहुत कम ताप पर। मृदा केसिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावकारी होती है चिकनी मिट्टी में। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरारोसा का प्यारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। मृदा विच्छालन बड़ी समस्या है उष्णकटिबंधीय वर्षा बनो क्षेत्रों में। हेलोफाइटस अच्छी वृद्धि करते हैं क्षारीय मिट्टी में। मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है जंतुओं द्वारा, यूरिया का उत्सर्जन और वनस्पति की मृत्यु द्वारा, ठीक है। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग होता है पहाड़ी ढलानों क्षेत्रों में। पहाड़ी ढलान क्षेत्रों में ये आपकी मिट्टी हो गई और ये जलवायु हो गई, ठीक है। पॉडजोल, पॉडजोल ये आपको देखने को मिलेगा शीत शीतोष्ण में, समशीतोष्ण में। चरणोजम ये समशीतोष्ण शीत स्टेपी में। स्पॉट जोल्स ए आर्द्र शीत समशीतोष्ण में। लेटेराइट उष्ण एवं आर्द्र में। अभी कथन ए, केंचुए खेती के लिए अच्छे नहीं है, एक गलत है, क्योंकि आप जानते हैं केंचुए मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर इसे नरम बनाते हैं, और किसानों का मित्र भी कहते हैं केंचुए को। तो ले कारण सही है यार, और एक गलत है, क्योंकि खेती के लिए बहुत लाभदायक होते हैं केंचुए। ए प्रजातियां जनजातियां, ये जनजातियों से भी आपके क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक पाए जाते हैं शुष्क क्षेत्र में। ऋतु प्रवास शब्द उपयोग होता है जब मानव व उनके पशुओं का मौसमी
स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर होता है। नवीनतम मानव समझा जाता है क्रोमेगनन मानव को। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव माना जाता है 15 करोड़ वर्ष पूर्व। 15 करोड़ वर्ष पूर्व वह महाद्वीप जो मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है अफ्रीका महाद्वीप। वह प्रजाति जिसके सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है काकेशियाई। जिप्सी लोगों का मूल स्थान है भारत। अफ्रीका की मूल जनजाति जनजाति पिग्मी पाई जाती है कांगो घाटी में। ये भी कई बार पूछ लेती है, ठीक है। पिग्मी पाए जाते हैं विषुवत रेखीय वनों में। पिग्मी कज्जात मसाई लेप्स में से घुमक्कड़ जनजाति नहीं है, पिग्मी नहीं है। घरों के जो चार प्रतिरूप दिखाई दे रहे हैं इनमें से वह प्रतिरूप जो पिग्मियों के घर का है, ये आप देखेंगे, ये आपका पिग्मी के घर का प्रारूप है, प्रतिरूप, ठीक है। जैविक समुदाय के समुदायों के अंदर के कुछ जातियां बड़ी संख्या में अन्य जातियों की समुदाय में बने रहने की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसी जनजातियों को कहते हैं मूलाधार की स्पॉन जातियां, ठीक है। सूची एक सूची दो को सम्मिलित करना जनजाति और देश। एस्किमो कनाडा एवं ग्रीनलैंड, मसाई केन्या में, और बद्दू सऊदी अरब, बुशमैन बोस्तवाना कालाहारी मरुस्थल, खिरगिज मलेशिया, एनु जापान, ठीक है। ये ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन हो गया क्रियाकलाप। कायाक ये शिकार हेतु संकरी नाव, इनपुट बर्फ का मकान, यूनियो परिवहन हेतु नाव, स्लेज कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। सेमांग लोग जहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं वह है मलेशिया में। ये आपकी जनजाति हो गई, देश हो गए। बर्बर ये मोरक्को में देखने को मिलेगी। इनुइट कनाडा, सेमांग मलेशिया, बिद्दा ये श्रीलंका। जूलू जनजाति का निवास स्थान है दक्षिण अफ्रीका। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। क्षेत्र जाति मध्य एशिया अल्पाइन स्कैंडिनेविया नार्डिक। जनजाति क्षेत्र मसाई पूर्वी अफ्रीका में, रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में, माओरी न्यूजीलैंड, मयाज ग्वाटेमाला। आपको बताना है कि आपके आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में दूसरे आपके जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे, लेकिन अभी बताइए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या में आपकी जनजाति किस राज्य में है आपके, ठीक है। वह देश जो भूमध्य भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते थे, आर्मीनिया। इनुइट लोग पाए जाते हैं कनाडा, रूस और अलास्का में से, ठीक है। ये आपकी जनजातियां हो गई और उनके अधिवासी क्षेत्र हो गए। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका में देखने को मिलेंगे, बंतू पूर्वी मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में, मसाई पूर्वी अफ्रीका में, नूबा सूडान में। वह प्रदेश जो लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है यह है स्कैंडिनेवियाई। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं मंगोलाइड प्रजाति से। यह आपकी भाषाएं हो गई, इनसे संबंधित कुछ पॉइंट दिए गए हैं। एस्पेरांटो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है मंदारिनी चीन की। वह देश जिसकी राजभाषा स्पेनिश नहीं है कांगो गणराज्य। सिंगापुर की प्रमुख भाषाओं में शामिल है मलय, राष्ट्रीय तमिल, अंग्रेजी, मंदारिन, चाइनीज। तमिल आप देखते हैं हमारे तमिलनाडु में बोली जाती है, दक्षिण भारत में, वैसी आपको श्रीलंका में भी बोली जाती है, ठीक है। आर्थिक भूगोल से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कृषि और पशुपालन, याद रखिए ये पॉइंट आपके बदलते रहते हैं, इसलिए जब भी पेपर देने जाए उस साल आप लोग अपडेट देख लिया करिए। करंट देखना ही पड़ेगा आपको, देखिए उसमें अगर कुछ बदलता तो है तो ठीक है, वरना पुराने आंकड़े याद रखना। विश्व का वह देश जो गेहूं तथा चावल दोनों का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। दूसरे नंबर पर भारत। धान उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है द्वितीय। चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है भारत में। वह देश जिसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है जापान में। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है चीन में। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है फिलीपींस में। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राजील। विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहद उत्पादक है भारत में। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक हैं फ्रांस और रूस। चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। वह देश जिसमें चुकंदर से चीनी तैयार की जाती है यूक्रेन। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है चीन में। कपास का प्रति हेक्टर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है ऑस्ट्रेलिया में। वह देश जो अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है भारत। कौन सा भारत? हमारा इंडिया, हमारा प्यारा भारत। विश्व का में केले का सबसे बड़ा उत्पादक भारत। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया। विश्व में फलों उत्पादन के रूप में भारत का नंबर दूसरे नंबर। तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन। चीन विश्व में तंबाकू का बेहतम उत्पादक है। भारत विश्व में ज्वार का प्रथम बेहतक उत्पादक है।
विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है थाईलैंड। विश्व में प्राकृतिक रबर के दो बड़े उत्पादक हैं थाईलैंड और इंडोनेशिया। श्रीलंका में कॉफी की कृषि बंद कर दी गई है पर्ण कीट रोग के कारण। विश्व में कहवा के दो अग्रणी उत्पादक देश हैं ब्राजील और वियतनाम। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष है ब्राजील। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है केन्या। सूची एक, सूची दो, फसल हो गया उत्पादक क्षेत्र कहवा साओ पालो पठार, जूट गंगा डेल्टा, चावल यांगटीसी मैदान, गेहूं पेरी मैदान। सूची एक, सूची दो, फसल उत्पादक चावल सिकियांग बेसिन चीन, गेहूं हुआंग वो ये है आपका बेसिन चीन, चाय कैंडी बेसिन श्रीलंका। क्षेत्र सूची एक, सूची दो, कोको घना कहवा आइवरी कोस्ट, चाय केन्या, गन्ना दक्षिण अफ्रीका। यूएस में कोना कॉफी का उत्पादन होता है हवाई में। वह कृषि क्षेत्र है जिसमें छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है और व्यापारिक बागवानी। ठीक है, सूची एक, सूची दो, फसलें हो गई और क्षेत्र हो गया रबर मलेशिया, कहवा कोलंबिया, जैतून इटली, गन्ना मॉरिशस। सूची एक, सूची दो, अग्नि उत्पादक देश पदार्थ चीन, लोहेस दूध भारत में, सऊदी अरब पेट्रोलियम, थाईलैंड प्राकृतिक रबर। सही कथन है, उष्णकटिबंधीय बागान समुद्र तटीय तट के किनारे झुंडों में पाई जाती है और अमेजन बेसिन में रबर की कृषि के लिए उत्तम भौतिक दशाएं पाई जाती हैं, परंतु कर्मकारों की कमी है यहाँ। ठीक है, काम करने वालों की बागान फसलें हैं कॉफी रबर मसाले नारियल आदि। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच में किस स्थान में उगाया जाता है वह कहलाती है एले क्रॉपिंग। एक फसली कृषि विशेषता है व्यापारिक अन्य कृषि की। चलवासी कृषि है चेना झूम और मिल्पा, जिसे आप लोग झूम खेती कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तुंगिया कृषि जहाँ की जाती है वह म्यांमार। कथन एक, कारण आर, एक पौधा जिसमें नक्तछन नाइट्रोजन की कमी, छोटे कद का विकास और हल्के हरे एवं पीले रंग की पत्तियां जैसे लक्षण दर्शाते हैं। नक्तजन हरी पत्ती विकास के लिए जिम्मेदार होता है। ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है राइजोबियम, एजोपोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और नील हरे शैवाल। एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है चारोन के लिए। जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है एजोला। धान की फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है नील हरे शैवाल को। ठीक है, कथन ए, सॉरी माफ करिए, अल्फा अल्फा है एक प्रकार की घास है, अल्फा अल्फा कई बार पूछ लेता है। कथन ए, कारण आर, किसी भी अफ्रीका देश में चाय बागान नहीं है। चाय गलत है ये, चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वरक की मैदा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है, आर सही है। फोर्जोल कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी को कहते हैं। मौका मौका कॉफी जहां उगाई जाती है वह यमन। चाय में पाया जाता है थेनाइन, कैफीन, पॉलीफेनाइल्स, टेनिन, थ्री थियोब्रोमाइन, थ्रियोफाइलिन आदि तत्व। कृषि के अंतर्गत समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में सम्मिलित है कृषि अनुसंधान और पादप संरक्षण संबंधी आर्थिक सहायता। हीरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। सोडियम अर्धचंद्र में सम्मिलित है अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। वह देश समूह का जहां मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग होता है यह मध्य अफ्रीका। सैक्रामेंटो सॉन जुआक्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सेप्टिस नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है वह अवस्थित है कैलिफोर्निया राज्य में। कहां? कैलिफोर्निया राज्य में। कथन ए, यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती होती है, खेती विशिष्ट है। बिल्कुल सही है, आर, उसका 85% अंगूर शराब बनाने के काम आता है। बिल्कुल सही है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे मैक्सिको में। कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है वह है खैर। अफ्रीका में मूंगफली प्रमुख फसल है गैम्बिया की। मूंगफली का मूल स्थान है ब्राजील। सहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर गर्म हल्का ऊन माना जाता है वह पैदा होता है चीन तिब्बत में। सहतूत सालबाई जानी जाती है चरू के बालों से। एपीकल्चर यह वैज्ञानिक विधि है जो संबंधित है शहद के उत्पादन से। बीटीकल्चर संबंधित है अंगूर के उत्पादन से। इस खेती हो गया और खेती का नामकरण। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती को ओलेरीकल्चर। फलों की खेती को पोमोलॉजी। ये कई बार पूछ लेता है, पूछ लेगा कि पोमोलॉजी किससे संबंधित है? फलों की खेती से। ठीक है, थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, याद रखिए आप लोग धीमा भी कर सकते हैं अगर आपको लगे कि तेज पढ़ रहा हूँ। रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है चीन का, भारत का दूसरा स्थान है। कथन ए, ऑस्ट्रेलिया में गौ पशुपालन
जितना दूध के लिए है उससे अधिक अपेक्षा मांस के लिए अधिक किया जाता है। बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया वासी परंपरागत रूप से मांसाहारी है। ए आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में लोग मांस खाते हैं ज्यादा, इसलिए वो दूध से ज्यादा गाय का उपयोग मांस के लिए करते हैं। विश्व की बृहत्तम पशु समष्टि है चीन में। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य छवि को किसने नष्ट किया? मैक मेड 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 काऊ रोग ने। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है भारत। दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही क्रम है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। मक्का उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं आप लोग? क्यूबा को। किसे? क्यूबा को। ठीक है। अब खनिज कोयला। कोयला का एक उदाहरण है परतदार चट्टानों का। कोयला कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस कहलाते हैं, जीवाश्म की फ्यूल ईंधन। सत्य कथा ने चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक है और यूक्रेन में डोनेट्स बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेसियन प्रदेश है। डोनबास क्षेत्र स्थित है कोयला के लिए। कोयला क्षेत्र हो गया, देश हो गया। डोनेट्स यूक्रेन, कुजेनेट्स रूस, लंका शायद यूके, सार जर्मनी। पत्थर की कोयले के भंडार में सर्वाधिक अग्रणी देश है अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है चीन व संयुक्त राज्य अमेरिका से। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी का। सर्वाधिक कोयला पाया जाता है अमेरिका में। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है चीन। रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वह है कोयला। अब लौह अयस्क से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है चीन, चाइना। विश्व में लौह अयस्क में के तीन अग्रणी उत्पादक हैं चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। लौह अयस्क हो गए संबंधित क्षेत्र, लोरेन फ्रांस, मिडलैंड यूके, कैरूना स्वीडन, कुस्ताने कजाकिस्तान। फ्रांस का लोरेन प्रदेश प्रसिद्ध है लोहे व इस्पात उद्योग के लिए। अन्य खनिज संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चिली। कौन सा? चिली। ठीक है। कथन एक कारण आर। विश्व में अभी भी चिली तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक है। चीनी चिली विश्व की विशालतम पोरफरी ताम निक्षेपों से संपन्न है। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। अफ्रीकी देश जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार है, फिर भी इस देश की आर्थिक प्रवृत्ति नहीं हो सकती क्योंकि समुद्री बंदरगाह नहीं है इसके पास। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबा में। विश्व में स्वर्ण उत्पादन का सही अवरोही क्रम है चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस और अमेरिका। चार टॉप। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरी विख्यात है उस स्वर्ण उत्पादन के लिए। कूल गाड़ी ऑस्ट्रेलिया जिस प्रांत में स्थित है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। जॉन्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन के लिए। वह देश जो भारत को सर्वाधिक स्वर्ण निर्यात करता है? स्विट्जरलैंड। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मेक्सिको। बॉक्साइट कच्ची धातु है एल्यूमिनियम की। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है चाइना। टिन मिलता है पिलासर निक्षेपों में। संसार में टिन का अग्रणी उत्पादक है चाइना। अब आप देखते हैं चाइना इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसके पास खनिज क्षेत्रों में, देखिए हर क्षेत्र में वो लगभग आगे हमसे। संसार के तीन अग्रण्य पेट्रोलियम उत्पादक का सही अवरोही क्रम है सऊदी अरब, यूएसए, रूस। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक सऊदी अरब है। मध्य पूर्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक, कुवैत। कथन मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोल के लगभग 60% भंडार भारत में पाए जाते हैं। सॉरी, पेट्रोल के 60 भंडार पाए जाते हैं और अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक और प्रमुख आयातक दोनों है। ये दोनों सबसे ही सही है आपके। आप लोगों को ये क्वेश्चन बताना है, किसी देश को विकसित या विकासशील बनाने, मतलब टॉप महाशक्ति बनाने के लिए क्या होना चाहिए? मानव संसाधन या फिर खनिज संसाधन, इस तरह के सभी लोहा, तांबा, सोना, इस तरह के बताइए आप लोग। ठीक है, मानव संसाधन बड़ा है या फिर खनिज संसाधन, कोयला, कच्चा तेल, इस तरह के। दक्षिणी पूर्व एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित देश तेल भंडार स्थित है वेनेजुएला में। वह देश जो गैसोहोल का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता है संयुक्त राज्य अमेरिका। तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल है का समाचारों में उल्लेख आता है। इस पद का अभिप्राय है कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है या उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। 2009 में पूर्वार्ध में पीस पाइपलाइन नामक व्यवसाय समझौता हुआ था ईरान
पाकिस्तान की मदद, वह देश जिसने 1857 में खनिज तेल आर्थिक रूप स्तर पर निकाला गया था, रोमानिया। जैव ईंधन बनाया जा सकता है गन्ना, मक्का, सोयाबीन, रैप सीड और जेटोपा से। यूरेनियम, संसार में यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक है कजाकिस्तान, वह देश जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है कनाडा। दुनिया में सर्वाधिक आण्विक खनिज उत्पादक देश है कजाकिस्तान। यूरेनियम में सर्वाधिक भंडार है ऑस्ट्रेलिया में, विश्व में यूरेनियम का बेहद भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कनाडा को। वह एक खनिज जिसने रेडियो प्राप्त किया था, वह पिच ब्लेंड रेडियम प्राप्त किया था। वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम एस निक्षेप के लिए जाना जाता है कनाडा। क्या है कनाडा? ठीक है, खनिज विविध। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है चीन और जापान के एक देशज वृक्ष से। वह खनिज सूची जो आलोय धातु की दर्शाता है, निकिल, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम, ये खनिज हो गए उत्पादक क्षेत्र हो गए। कोयला, कारागंडा बेसिन, सोना, हाई बेल्ट, लोहे अयस्क, यह क्रोबोई रोग, ये खनिज तेल, सान जुआक्विन घाटी, तांबा, एरिजोना। सही सम्मिलित है, सूची एक, सूची दो। खनिज तेल वेनेजुएला, तांबा जाम्बिया, मैग्नीज गेवन, बॉक्साइट गुआना। सूची एक, सूची दो, क्षेत्र हो गए, खनिज हो गए। डॉनबास बेसिन, कोयला, मैसावी, लोएस, मसूल, ये खनिज तेल, ट्रांसबॉल, सोना। लोए खनिज, लोएस, मैसावी खनिज तेल, बाकू, तांबा, बिगम, यूरेनियम, पोर्ट, रेडियम। बाकू प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैसावी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है वह लोए एस्क। ये किम्बरली हीरा के लिए प्रसिद्ध है। बिट वार्ड वाटर्स रेंड सोना के लिए, कंटांगा तांबे के लिए, साल कोयला के लिए। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक देश है चीन, 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 चाइना। विश्व में बॉक्साइट का बेहतम उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह नाइट्रेट। देश हो गया खनिज, बोलिविया टेन, ब्राजील लोएस्क, मैक्सिको चांदी, पेरू नाइट्रेट, सोना, पेरू। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। आपके देश में आप देखते हैं, पन्ना में सुनते हैं हीरा। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल है कोयला, तेल, गैस, जल, विद्युत, यूरेनियम। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है डीआर कांगो। नगर उद्योग, लोह इस्पात केंद्र और देश, हैमिल्टन कनाडा, बर्मिंगम यूनाइटेड किंगडम, एसन जर्मनी, आसन एंसन ए चीन, एक केंद्र हो गए। उद्योग, पीटर्सबर्ग यूएसए, लोहिस लोहा एवं इस्पात, संघाई चीन, सूती वस्त्र उद्योग, टोंडी स्कॉटलैंड, जूट वस्त्र उद्योग, लेनिनग्राद सेंट पीटर्सबर्ग रूस, पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। सूची एक, सूची दो, केंद्र हो गया, उद्योग हो गए, सलेम लोहे एवं इस्पात उद्योग, लॉस एंजल्स हवाई जहाज, आबादान तेल शोधन, नगोया सूती वस्त्र, ऑटो ऑटोमोबाइल्स के लिए। सूची एक, सूची दो, डेट्राइट ऑटोमोबाइल्स, मैग्नीटोगोर्स लोहा इस्पात के लिए, जोहान्सबर्ग सोना खनन के लिए, बर्मिंगम लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सूची एक, सूची दो, नगर हो गए, उद्योग हो गए, ओसाका आपका वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, याकोहोमा पोत निर्माण के लिए, ह्यूस्टन तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए, अनसन लोहा एवं इस्पात के लिए, हवाना सिगार के लिए। सूची एक, सूची दो, चेल्याबिंस्क धातु एवं सैन्य मशीनरी के लिए, मिलान रेशमी वस्त्र के लिए, डेट्राइट ऑटोमोबाइल के लिए, मॉस्को धातु रासायनिक मशीनरी के लिए। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है ओसाका। ठीक है, सूची एक, सूची दो, सी फील्ड, सेफ फील्ड, कटबरी, बेनिन कांच निर्माण के लिए, ग्लासगो पोत निर्माण के लिए, ओटावा कागज के लिए। पोत निर्माण केंद्र राज्य यूएसए, हाउस्टन टेक्सास, स्पेरोज पॉइंट मैरीलैंड, न्यू आर्लियंस लुइजियाना, कैमडेन न्यू जर्सी। एक कोयला क्षेत्र हो गए अवस्थिति, कुजवास रूस, रेड बेसिन चीन, वेस्टल यूनाइटेड किंगडम, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया। सूची एक, सूची औद्योगिक क्षेत्र देश, किनकी जापान, कैंटन चीन, लोरेन फ्रांस, बेलो होरिजॉन्टले ये आप देखेंगे ब्राजील में, कहाँ? ब्राजील में। ठीक है, सूची एक, सूची दो, क्लीवलैंड लोहा इस्पात के लिए, मेसावी रेंज लोएस के लिए, फिलाडेल्फिया पोत निर्माण के लिए। सूची एक, सूची दो, औद्योगिक प्रदेश देश, लंकाशायर प्रदेश यूनाइटेड किंगडम, रूर प्रदेश जर्मनी, केहेन प्रदेश जापान,
दक्षिणी अपलेसियन प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका, उनका सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से जर्मनी से संबंधित है वुपरताल। विश्व में सूती वस्त्र का अग्रणी उत्पादक है चीन। फूट लूज उद्योग एक उदाहरण है सॉफ्टवेयर का, वह उद्योग जिसकी अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से एक है क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी है, समझ रहे हैं, मानव संसाधन है। आपको यहाँ क्वेश्चंस का पुराने क्वेश्चंस पूछा था ना, जो यहाँ मिल गया होगा। आप जानते हैं कि जापान के पास कुछ ज्यादा, आप देखेंगे कोई खनिज मनिज नहीं है, फिर भी वो अग्रणी देशों में शामिल है क्योंकि उसके पास दिमाग है, समझ रहे हैं आप लोग। आप ही सोचिए, एक दूध वाला है और वो क्या करता है, दूध आपको दे देता है। वो कितने, 50 रुपये लीटर देता है। आप उसे क्या बदलते हैं, आप चॉकलेट में बदल देते हैं, केक में बदल देते हैं। तो ये होता है दिमाग। अगर उसके पास दिमाग होता तो वो क्यों ना कर लेता, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे 50 रुपये का दूध आप 200 से 300 400 रुपये कमा लेंगे उससे। सोचिए, एक सूची दो, रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम फ्रांस, स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र यूएसए। सत्य कथन है, खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, सिरे के एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, कागज लुगदी बनाने हेतु काष्ठ कच्चा पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, पॉपलर। बाजार आधारित लोहे इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं जापान में। ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। जापान का उत्तरी क्यूशू क्षेत्र ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर के में धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है लंदन। क्या है, लंदन। आप लोग कहते हैं ना मैं लंदन जा रहा हूं। सूची एक सूची दो, उद्योग है स्थान कागज ओंटेरियो, रासायनिक टेक्सास, मोटर कार के लिए नगुआ, कैसे है आपका, ठीक है। अब परिवहन है, कथन है, संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है, बिल्कुल सही है। वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्र को जोड़ता है इसीलिए व्यस्त है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर। दिल्ली से टोक्यो तक की उड़ान हवाई पतन आते हैं बैंकॉक, हनोई, हांगकांग, ताइपे। पर्थ से लंदन तक का लघुतम वायु मार्ग है पर्थ, मुंबई, रोम, लंदन। लुफ्थांसा विमान सेवा है जर्मनी की। ये सूची एक रेल मार्ग शहर, यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल पेरिस से वारसा, पार एंडीज रेल वा वाल परेजो से ब्यूनस आयर्स, पार साइबेरिया रेल सेंट पीटर्सबर्ग लेनिन ग्राड से व्लादिवोस्तोक तक, ओरिएंटल एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल तक। ये सभी आपके कवर किए हुए हैं उसमें उन क्लासों में, ठीक है, कुछ नहीं छूटा हुआ है मुझे लगता है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जिन दो स्टेशनों के बीच चलती है वह है मॉन्ट्रियल और वैंकूवर। तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जोड़ने वाले देश हैं इंग्लैंड और फ्रांस। सीका नामक लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है जापान में, कहाँ, जापान में। बंदरगाह पतन, जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन है योकोहामा। ऑस्ट्रेलिया का पतन नगर नहीं है कैनबरा। विश्व का सबसे बड़ा पोताशा है संघाई। पोतभार टन टन मान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह है संघाई। वेनेजुएला में तेल पतन के रूप में विकसित किया गया है मरकेवो पतन, मरकेवो पतन। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन है मिस्र का। पोर्ट डायमंड अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। वह बंदरगाह जिसे विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जानते हैं सेंटोस को। विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माता देश है चीन। ग्वादर पतन अवस्थित है पाकिस्तान में, ठीक है। चाबहार हम लोग बात याद रखिए हम लोगों ने ईरान में बनाया है, ठीक है। ग्वादर को आप देख रहे हैं कि चीन पाकिस्तान में इसका निर्माण कर रहा है, सही सुन लेते हैं। बंदरगाह हो गया देश। राटरडम नीदरलैंड से संबंधित, इगार्का रूस, मॉन्टवीडियो रोपे, जकार्ता इंडोनेशिया। मानचित्रण, ठीक है, समदाब रेखाओं को दर्शाने वाली दैनिक मौसम मानचित्रण उदाहरण है समान रेखा मानचित्र का। आइसोगोनिक रेखाएं समान दूर चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। जल के अंदर समान गहराई के बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा है आइसोबाथ। उच्चावत दिखाने का सही तरीका है समोच्च रेखा द्वारा। अब विभिन्न कुछ देख लेते हैं, इसमें भी आपके पॉइंट दिए गए हैं। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं कृष्ण एवं शीत सागरीय धाराओं मिलती हैं जहाँ। ग्रैंड बैंक स्थित है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर।
भूगोल में नव नीतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जी टेलर ने। किसने? जी टेलर ने अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल जियोग्राफी में जी ई स्पेंसर और डब्ल्यू एल टॉमस ने विश्व को विभाजित किया था 11 सांस्कृतिक प्रदेशों में। ठीक है, मधेसी नेपाल से संबंधित हैं, रोहिंग्या म्यांमार से संबंधित हैं। ये भी कई बार चर्चा में रहते हैं तो पूछ लेते हैं। सही कथन, क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य। सही है, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है आइसो हाइट। आइसो हाइट कहते हैं इसे। सही कथन है, भौमिक मील की दूरी समुद्र मील से कम होती है। बिल्कुल सही है। सूची एक सूची दो, अर्जेंटीना, पंपास, कनाडा, मनीटोबा, मोरक्को, एटलस पर्वत, दक्षिण अफ्रीका, किम्बरले। सूची एक सूची दो, ध्रुव तारा, उत्तरी दिशा, पृथ्वी, गुरुत्वाकर्षण, ग्रीनलैंड, आर्कटिक महासागर, विस्फोट, ध्वनि। भौगोलिक स्वरूप और देश, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, ग्रैंड कैनियन यूएसए, लेक पिनिपिग या कनाडा, दक्षिणी आल्पस न्यूजीलैंड। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था अमेरिका में। सही सम्मिलित हैं, साई कनरे सुरंग जापान, पेट्रोनास टॉवर्स मलेशिया, अपलेसियन पथ यूएसए, रोगन बांध तजाकिस्तान। बरमोड़ा त्रिभुज अवस्थित है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमोड़ा त्रिकोण विस्तृत है, बरमोड़ा दक्षिणी फ्लोरिडा मीपामी प्यूटरियो में। ठीक है, सूची एक सूची दो, स्वर्णिम त्रिकोण दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है। बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर की पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र है। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा म्यांमार, रेड बेसिन चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह विक्षेपण केंद्र अवस्थित है केप कैनेडी में। नासा यहीं की अंतरिक्ष एजेंसी है, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है इसरो। ठीक है, वह देश जिसके उपग्रहों से अंटार्कटिका का विस्तृत एवं संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिली है, कनाडा। विश्व में मदिरा का बेहतम उत्पादक है, फ्रांस। शराब का पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके। एक गणना मतलब एक आप देखेंगे वलय होगा 1 साल, इसी तरह गिन सकते हैं। कोपाकुआना पुलिन अवस्थित है रियो डी जिनेरो में। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है भारत में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय अवस्थित है ब्रुसेल्स में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है लंदन में। ये जो आपके अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन है इन्हें भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, वहाँ विस्तार से आपके पढ़ाए गए हैं और मुझे लगता है कि आप उन्हें देखेंगे तो आपसे 200 से अगर 150 से 200 शब्द भी लिखने के आते हैं मेंस में तो आप उन्हें लिख सकते हैं। संस्थान नगर, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जेनेवा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रुसेल्स, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम, ये मुख्यालय। पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में सत्य कथन है, भारत पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय न्यायिक के रूप में स्थापित करना चाहता है। भारत अपने दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है। बिल्कुल सही है, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है चीन तिब्बत में। ऑस्ट्रेलियाई वासी क्रिसमस मनाते हैं गर्मी के मौसम में। वह देश जिसको आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है भारत। सार्क का मुख्यालय देखने को मिलेगा काठमांडू में। लिसिंग टावर ऑफ पीसा देखने को मिलेगा इटली में। एलएसी पेरिस देखने को मिलेगा फ्रांस में। ओडाका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला है सारस। सबसे अधिक डाकघर वाला देश है भारत, हमारा प्यारा भारत। चेर्नोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी यूक्रेन में। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी चीन में, चाइना में। नाभिकीय शक्ति क्षमता की दृष्टि से प्रमुख देशों का क्रम है संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन। भारत में ऊर्जा उत्पादन की कुल कुल प्रतिष्ठापित क्षमता में उसके प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में अवस्थित है जल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय डीजल। 40 कबीलों का देश कहा जाता है किर्गिस्तान को। 40 कबीलों का देश किसे कहते हैं? किर्गिस्तान को। एडियाटिक सागर की रानी के नाम से जानते हैं वेनिस शहर को। ठीक है, तो ये थे आपके विश्व भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा भूगोल कवर करवा दिया गया है, ये कहना बिल्कुल सही नहीं है। और आप जानते हैं कि हम लोग जब बायोग्राफी कवर कर रहे थे तब हमने बताया था, और अभी भी आपकी हर संडे को एक बायोग्राफी एक व्यक्ति की किसी ना किसी की आती रहती है, तो उसमें हर किसी की जिंदगी के बता बारे बारे में बिल्कुल मतलब सब कुछ बता पाना मुश्किल है। इसलिए वही पॉइंट उठाए जाते हैं जो आप लोगों के लिए जानकारी होनी चाहिए।
अब आप देखते हैं महात्मा गांधी की अगर आप बायोग्राफी यानी कि आत्मकथा देखेंगे तो एक पूरी बुक्स है, उसे कवर कर पाना मुझे लगता है कि मुमकिन नहीं है। तो उनके बारे में जो खास खास पॉइंट है उन्हें लिए जाते हैं। चलिए तो हम लोग मिलते हैं भारतीय भूगोल के, भारत का भूगोल देखेंगे, ठीक है।